नहीं नहीं यही है। कनेक्टेड था क्या अभी ये? नहीं, उसको बोला कनेक्टेड नहीं है। नहीं नहीं स्प्लिटर का इशू है, स्प्लिटर स्प्लिटर से देख उसको बोला। यस अच्छा गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जी हाँ। सो द डे 2 ऑफ फास्ट ट्रैक बैच, कल हम लोगों ने क्या किया था एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने सबसे पहली चीज पढ़ी थी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, जिसमें मेन पार्ट में सिर्फ फटाफट रिवाइज करा देता हूं। आर्टिकल नंबर 265 ने हमें कहा था नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। जितने बच्चे ऑनलाइन कनेक्टेड है प्लीज मुझे एक बार बता दीजिए क्या मेरी आवाज भी क्लियर है और बाकी सारी चीजें क्लियर है क्या? हो गया, क्या मेरी आवाज क्लियर है, बाकी सब भी क्लियर है क्या? यस अच्छा जी। दूसरी चीज आप सभी मेरे को बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बाद इनकम टैक्स इज कवर्ड अंडर एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट। टैक्स कलेक्ट करने का पावर कहां है बेटा? सेंटर। क्या सेंटर इसे डिवाइड करेगा? यस, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। क्या तुम्हें याद आ रहा है मालिक? यस। एग्रीकल्चर पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर स्टेट के पास है, यहां से याद आ रहा है। अच्छा, व्हाट इज द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स? स्कोप में क्या क्या था? पहला एक्ट, दूसरा नोटिफिकेशन, तीसरा सर्कुलर, चौथा केस लॉस, ये सब इस एक्ट स्कोप बनता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने जाकर के देखा था ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? इनकम ऑफ ऑल फाइव हेड्स, इसमें ऐड करना लेस करना, क्या मिलेगा? ग्रॉस टोटल इनकम में से क्या माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? वी पे टैक्स ऑन, क्लियर है मालिक? वी पे टैक्स ऑन टोटल इनकम। ठीक है मालिक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों याद करो मेरा, इसके बाद हम लोग गए थे ये समझने के लिए कि इनकम हर रिसीट इनकम नहीं होती। तो रिसीट दो प्रकार की होती है बेटा, एक कैपिटल रिसीट और दूसरा रेवेन्यू रिसीट। क्या तुम्हें याद है? राइट, कैपिटल रिसीट्स लोन इज अ कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स लाइबिलिटी कैपिटल। ठीक है, बाकी सब रेवेन्यू रिसीट। इज रेवेन्यू रिसीट ऑलवेज चार्जेबल टू टैक्स? कैपिटल रिसीट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए कि जो मेरा रेवेन्यू रिसीट है, राइट, क्या इसमें से कोई डिडक्शन और एग्जम्पशन अवेलेबल है? डिडक्शन दो तरीके से लिखे है, पहला हेडवाइज और दूसरा बराबर है फ्रॉम चैप्टर 6A, और ये क्या बोलते हैं अपना एग्जम्पशन इज 100% एग्जम्प्ट। यहां से हम आगे बढ़े थे मालिक। यहां से आगे बढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा था कि भैया अमेंडमेंट आते हैं, आप लोगों को फाइनेंस एक्ट 21 एप्लीकेबल है। से यस, मैंने फेंक के मारना है, फाइनेंस एक्ट 22 आप लोग के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, क्या हम ये सीए सीए में दोनों के लिए कर रहे हैं? यस, दोनों के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा मैं एक और बात आप सभी को बता दूं कि हम लोगों ने एक और चीज करी थी, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच income is earned, assessment year is the year in which tax is paid, income of previous year is taxable in assessment year। लेकिन जिस साल बिजनेस चालू होता है previous year start from the date of commencement। क्या तुम्हें याद है? अच्छा, 5 exception है previous year और assessment year के लिए। 5 exception कौन कौन से? एक मिनट, सोम किधर गया अपना? सोम नहीं आया। ठीक है, सोम क्या कर रहा था? गणपति डांस। इतने में कौन आई थी? शिप। शिप से कौन उतरी थी? सुंदर गंधा ने बोला मैं तुम्हें क्या करके दिखाऊंगी? रॉकस्टार बनाऊंगी। मैं दो काम करके आता हूं, अपना सारा सामान, अपनी दुकान। जैसे ही वापस आया, तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे, इंडिया जैसी प्लेस पर दोबारा। तो सबसे पहले गणपति डांस से क्या याद आएगा? एओपी, बीओआई फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, दूसरा नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस, तीसरा क्लोजर ऑफ बिजनेस, चौथा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, पांचवा पर्सन लीविंग इंडिया परमानेंटली। याद आ रहा है? यहां हमने खत्म कर दिया था। अब यहां से हम लोग जा रहे हैं बेटा टैक्स कंप्यूटेशन के ऊपर। आज का जो पूरा का पूरा लेक्चर है टैक्स कंप्यूटेशन के ऊपर होगा, तो आप लोग प्लीज इसे कंटिन्यूअसली देखते रहिएगा और अपना वैल्यूएबल जो क्वेश्चन होगा मैं आपसे एक सही समय आने पर जरूर पूछूंगा, आप अपना वैल्यूएबल क्वेश्चन वहां दे सकते हैं। तो चलिए सभी लोग सबसे पहले रिवाइज करवा दो। आई थिंक ये यहाँ का कुछ हो रहा है, वो कर रहे हैं। 2 मिनट में हो जाएगा जब तक कि मेरे साथ रिवाइज की है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ से मैं 2 चैप्टर को डिवाइड कर देता हूँ। आप सभी को पता है इंडिविजुअल्स के लिए, कंपनीज के लिए एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम आई है। कुछ याद है? धुंधला धुंधला नहीं भी याद है तो मैं बता दूं, एक इंडिविजुअल को, एक कंपनी को और कोऑपरेटिव सोसाइटी को टैक्स पे करने में 2 अल्टरनेटिव दिए गए हैं। एक, वो बहुत सारे डिडक्शन और एग्जम्पशन क्लेम कर ले और नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स पे करे, वो बहुत सारे डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम कर ले और नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स पे करे, या फिर वो कुछ डिडक्शन और एग्जम्पशन छोड़ दे जो सेक्शन में लिखे होंगे और अल्टरनेटिव टैक्स पे करें। मैं इन 2 चैप्टर को हाल फिलहाल में डिवाइड कर दे रहा हूं। अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम मैं आगे लूंगा क्योंकि अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम समझने के लिए कौन से डिडक्शन और एग्जम्पशन छोड़ने हैं ये आपको पता होने चाहिए, इसीलिए कुछ अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम को मैं छोड़ दूंगा और मैं अभी सिर्फ नॉर्मल टैक्स स्कीम कंटिन्यू करूंगा। सो इंडिविजुअल के पास, मोटे मोटे तौर पर इंडिविजुअल के पास टैक्स पे करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका कि वो नॉर्मल स्लैब रेट पे करे एंड जितने डिडक्शन एग्जम्पशन इनकम टैक्स ने दिए हुए हैं, अलाउ किए हुए हैं, वो सारे डिडक्शन एंड एग्जम्पशन ले ले। दूसरा, वो क्या करे, कुछ डिडक्शन एग्जम्पशन को छोड़ दे जो सेक्शन ने बोला है और अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम पे करे। चलिए मैं यहां से आपका थोड़ा सा बेस बनाता हूं, जरा समझना। सर अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम लाने की जरूरत क्या पड़ी? पूछो ना क्या। हाँ, मैंने आपसे कहा है, मेरे साथ इंटरेक्शन करते रहे। हाँ सर क्या जरूरत पड़ी? देखिए हुआ क्या, ये पिछले कई अटेम्प्ट से, अटेम्प्ट भी नहीं, बजट बोलूंगा ये ज्यादा वर्ड सही है, पिछले कई बजट से भारत में एक डिमांड चल रही है जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है ऑफ रुपीज 2,50,000 उसको बढ़ा के कितना कर दीजिए 5 लाख। इनफैक्ट बजट 2023 में भी ये डिमांड रखी जा रही है कि भैया प्लीज आप क्या कर दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए इसको 2,50,000 से 5 लाख कर दीजिए। लेकिन अगर आप सोच के देखिए ये किया जा रहा है क्या? आंसर इज नो। पूछो क्यों? मुकेश अंबानी साहब को तो आप सभी जानते होंगे, सनी देओल को भी आप सभी जानते होंगे, है तो वो भी इंडिविजुअली। अब सोचिए क्या मुकेश अंबानी साहब को सच में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कोई फर्क पड़ता है? अब अगर 2.5 लाख से 5 लाख कर दिया, जो आदमी टैक्स पे करने में सक्षम भी है आप तो उसको भी बेनिफिट दे दे रहे हो। हेलो, आप तो उसको भी बेनिफिट दे दे रहे हो। आपको क्या लगता है सलमान भाई को, आपको लगता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कोई लेन देन है? अक्षय कुमार सर को कोई लेन देन है? दर्शन खरे को कोई लेन देन है? नहीं। बट इनको अगर बेसिक एग्जम्पशन मिल गया तो मुझ जैसा गरीब जिसको सच में जरूरत है, मुझ जैसा गरीब जिसको सच में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की जरूरत है, इसके साथ अन्याय हो जाएगा। जो पे कर सकता है उसका समझ में आता है, जो पे नहीं कर सकता बेनिफिट उसको मिले। इसलिए सरकार ने रिबेट नाम की चीज लाई थी, याद है? हाँ, इसलिए सरकार ने रिबेट नाम की चीज लाई थी कि भैया जिसका इनकम 5 लाख तक के ही है, जिसका इनकम 5 लाख तक के ही है, इसके लिए रिबेट मिलता रहे। बराबर है, रिबेट को उनने 5 लाख की लिमिट लगा दी रादर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। लॉजिक समझ में आ रहा है सभी को? हाँ या ना? ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर एक को ये बेनिफिट नहीं दिया, उन्होंने सीधा सीधा ये बेनिफिट सिर्फ किसको दिया, जिसकी सच में जरूरत है, तो उनको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट दिया। हम अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम आगे पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ स्लैब रेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या टैक्स में सिर्फ टैक्स होता है या सरचार्ज एंड सेस भी होता है? ये तो हमने कल ही देखा, सरचार्ज एंड सेस भी होता है। तो एक एक चीज को समझते हैं। सी, अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम के अंदर में जो टैक्स रेट है वो हर एज ऑफ असेसी के लिए सेम है। आई मीन टू से, अगर मेरा एज 60 है, 70 है, 80 है या 90 भी है, इन हर एज लिमिट के लिए आपका जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है इन अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम वो कॉमन है। लेकिन नॉर्मल स्लैब रेट जो है इनमें एज वाइज चीजें अलग अलग है। चले धुंधला धुंधला आपको याद है तो बताता हूं, नहीं तो मैं तो वैसे भी 0 से चालू करूंगा ही। अगर कोई असेसी है, इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, पूरी बात सुनिए, असेसी, इंडिविजुअल, रेसिडेंट, अप टू 2,50,000 इसका टैक्स क्या होगा बेटा? निल। 2,50,000 से 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख एंड अबाउट 10 लाख। याद आ रहा है? क्या इस स्लैब रेट में कोई चेंज आया है? आंसर इज नो। तो ये स्लैब रेट एज इट इज है, हम लिखेंगे, अभी हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा, जो व्यक्ति 60 एंड अबाव है, अप टू 80, 60 एंड अबाव मतलब .60 रहता, किसी को डॉट पसंद, .60 आ जाएगा वो सीनियर सिटीजन के अंदर में, अप टू 3 lakhs, बोलो 3 lakh टू 5 lakh, 5 lakh टू 10 lakh एंड अबाव 10 lakh। याद आ रहा है? क्या यहां कोई चेंज है? नो। अबाव 80, दैट इज 80 और अबाव 5 लाख तक के 5 लाख to 10 लाख डायरेक्टली 20% एंड 10 लाख अबाव। क्या यहां कोई चेंज आया है? नहीं। इन शॉर्ट बेसिक स्लैब रेट्स में कहीं कोई चेंज नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब भी आप टैक्स लगाएंगे इस टैक्स के साथ साथ आपको 4% का HEC लगाना मैंडेटरी है। प्रॉब्लम में बोला हो या ना बोला हो, अगर आपको टैक्स कंप्यूटेशन निकालना है 4% का HEC लगाना आपको जरूरी है। इसके साथ साथ तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, रिबेट। इफ द असेसी इज इंडिविजुअल, इफ द असेसी इज इंडिविजुअल, यानी रिबेट सिर्फ किसको मिलेगा? इंडिविजुअल। हिज टोटल इनकम, कैसा? टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख। टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख। बोलो टोटल इनकम अगर 5 लाख रुपए तक के रही तो सरचार्ज या रिबेट मिलेगा। सो इफ असेसी इज इंडिविजुअल, ही इज रेसिडेंट एंड टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख, तो आपको रिबेट मिलेगा। रिबेट कितना मिलता है? मैक्सिमम रिबेट एनीवन? यस, ये मैक्सिमम रिबेट है 12,500, 100% ऑफ टैक्स और 12,500 whichever is lower is the right law. Yes, just a minute. So 100% ऑफ टैक्स, ये भी जा रहा है 100% ऑफ टैक्स और 12,500 whichever is lower. Yes मालिक, just a moment. हाँ जी, कुछ तकनीकी खराबी आ रही है, पर ऐसा तो वर्ल्ड कप में भी होता है। इज्जत ही नहीं है। दो मिनट सर। चलिए सुनिए जब तक के कुछ और पॉइंट। टैक्स रेट दो प्रकार के होते हैं। अगर मैं नॉर्मल स्लैब रेट की बात करूं, अभी अल्टरनेटिव की बात नहीं कर रहे, अगर मैं स्लैब रेट की बात करूं तो टैक्स रेट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉर्मल, दूसरा होता है स्पेशल। नॉर्मल मतलब विच इज अवेलेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ इनकम, और स्पेशल मतलब कुछ इनकम्स के लिए, कुछ इनकम के लिए स्पेशल रेट ऑफ टैक्स दिए गए हैं इनकम टैक्स में। नॉर्मल रेट फाइनेंस एक्ट के अंदर में लिखा होता है, जबकि स्पेशल रेट इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में लिखा होता है। सर कैन यू गिव मी वन एग्जांपल ऑफ स्पेशल रेट? बिल्कुल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A 15%, ये इनकम टैक्स में लिखा है, जबकि जो आप 2,50,000 का स्लैब रेट लेते हो ये फाइनेंस एक्ट में लिखा होता है। तो ये भी एक एमसीक्यू है, जो मैं एमसीक्यू बुक का आपको पीडीएफ देने वाला हूं, उसमें ये एमसीक्यू है। नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स आर रिटन इन फाइनेंस एक्ट, वेयर एज स्पेशल रेट इज गिवन इन इनकम टैक्स एक्ट। इसके अलावा आप टीडीएस रेट भी जानेंगे, टीडीएस के भी रेट होते हैं। देखो परसेंटेज, ये लिमिट से ऊपर गया तो इतना परसेंटेज, तो टीडीएस के रेट कहां लिखे होते हैं? फाइनेंस एक्ट ऑल्सो। ठीक है, तो सबसे पहले रजिस्टर में लिखिए, हेडिंग दीजिए आज का टैक्स रेट, हेडिंग दीजिए आज का टैक्स रेट। डन। टैक्स रेट के अंदर में दो पार्ट बनाई है, नॉर्मल और स्पेशल। टैक्स रेट के अंदर में दो पार्ट बनाई है, नॉर्मल और स्पेशल, बराबर है। नॉर्मल के अंदर में दो पार्ट बनाइए, नॉर्मल और स्पेशल, बराबर। नॉर्मल के अंदर में लिखिए स्लैब रेट एंड टीडीएस रेट आर गिवन इन फाइनेंस एक्ट। एक्चुअली हम उसको शेड्यूल टू फाइनेंस एक्ट बोलते हैं। नॉर्मल रेट के नीचे स्लैब रेट एंड टीडीएस रेट आर गिवन इन फाइनेंस एक्ट, स्लैब रेट एंड टीडीएस रेट आर गिवन इन फाइनेंस एक्ट। जबकि स्पेशल रेट के नीचे लिखिए गिवन इन इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, ओके। जितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं, 1 मिनट के लिए मैं फेस टू फेस वालों के लिए एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ। हाल फिलहाल में आई गेस यहाँ पे कनेक्टिविटी का कुछ इशू आ रहा है। फॉर द टाइमिंग अगर मोबाइल है तो सेम चीज़ यूट्यूब पे भी स्ट्रीम हो रही है, आप प्लीज़ निकाल के बाजू रख ले, एटलीस्ट स्क्रीन दिखे क्योंकि वहाँ दिख रही है। तो हाल फिलहाल के लिए 10-15 मिनट के लिए, जब तक कि आपका कुछ मिस ना हो ना अपना क्लास डिले हो, तो एटलीस्ट 10-15 मिनट के लिए आप निकाल के, साथ में यूट्यूब पे CA विजय सारडा चैनल पे ही ये चालू भी है तो आप वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम। चलिए अब हम टैक्स रेट की बात करें। चलो एक बार मेरे साथ सभी लोग आ जाओ, पेज नंबर 1.3 ऑफ द नोट्स। ये नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/CA Vijay Sarda पे अवेलेबल है, चेक कीजिए। टैक्स रेट कितने प्रकार के बेटा? 2। टैक्स रेट कितने प्रकार के बेटा? 2, नॉर्मल और स्पेशल। नॉर्मल किधर दिया है बेटा? फाइनेंस एक्ट। जबकि स्पेशल किधर दिया है बेटा? इनकम टैक्स एक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए इसके बाद हम सबसे पहले स्लैब रेट की बात कर लेते हैं, बिल्कुल उसी के नीचे, राइट। हम स्लैब रेट की भी बात कर लेते हैं। स्लैब रेट में, राइट, स्लैब रेट में अगर देखा जाए, सबसे पहले इंडिविजुअल के स्लैब रेट की बात करते हैं हम। इंडिविजुअल मेल फीमेल 60 ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब अप टू 60, राइट। HUF, AJP, BOI, नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, किस किस के लिए ये स्लैब रेट है? ये पॉइंट सबसे ज्यादा ध्यान से सुने क्योंकि आपको इस पर क्वेश्चन आते हैं कैपिटल गेन में। ये स्लैब रेट किस किस के लिए एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट बिलो 60, नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या नॉन रेसिडेंट को भी स्लैब रेट का बेनिफिट मिलता है? आंसर इज यस। नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, HUF, AOP, BOI, AJP सभी के लिए कॉमन स्लैब रेट है ये। अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 टू 5,00,000 5%, यहां तक के शॉर्टकट है 12,500, यहां तक के शॉर्टकट है 12,500। चलिए शॉर्टकट ट्रिक आपको सिखाता हूं क्योंकि आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आएगा। प्लीज टेक अ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में, राइट, अप टू 5,00,000 कुछ चीजें कैलकुलेटर पे ही कर ले। मैं यहां आपको ज्यादा मेहनत नहीं करवाना चाह रहा हूं, रादर स्मार्ट वर्क करवाना चाह रहा हूं। 5,00,000 रुपए है, 5,00,000 रुपए में से 2,50,000 तक का तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, हटा दो, बचता कितना बेटा? 2,50,000। उस पे कितना परसेंट बेटा? 5%। तो हर बच्चा यहाँ पे दिमाग में कहीं ना कहीं सेट कर ले, हर बच्चा यहाँ दिमाग में कहीं ना कहीं सेट कर ले कि अप टू 5,00,000 रुपीज टैक्स कितना आने वाला है? 12,500। क्लियर है? 12,500 रुपए टैक्स आने वाला है। 5,00,000 to 10,00,000 12,500 पहले 5,00,000 तक का प्लस 1,00,000 नेक्स्ट स्लैब का, तो शॉर्टकट है यहां पे 1,12,500। लेट मी गिव यू अ कैलकुलेशन। देखिए टैक्स निकालना बड़ा आसान, रजिस्टर में मेरे साथ साथ जरा टैक्स के कुछ एग्जाम्पल लिखिए। टैक्स का एग्जाम्पल नंबर 1, टैक्स का एग्जाम्पल नंबर 1, ये उड़ा दिए क्या? यस। चलिए अंडरस्टैंड करते जाइए। अगर मेरा इनकम 2,40,000 है, जल्दी से बताओ मेरा टैक्स क्या है? विल इट बी नील? यस। अच्छा जी, मैं साथ साथ में ऑनलाइन दिख रहा हूं ना, हाँ। अगर मेरा इनकम 4,90,000 रुपीज है, अब जल्दी से बताओ मेरा टैक्स कितना? जब मैं टैक्स की बात कर रहा हूं, सुनिए, आंसर निकालना शायद बहुत लोगों को आता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम पेपर में इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा इशू है। जब भी आप अपनी टोटल इनकम निकालें, सबसे पहले आपको ये पता चल गई, सबसे पहले कुछ चीजें जो आप गलती करते हैं। टोटल इनकम यहां लिखो 4,90,000, उसके नीचे माइनस करो बेसिक एग्जम्पशन 2,50,000 बराबर। इसको निकाल करके यहां पे करो बैलेंस। बेसिक गलतियां, बेल मैसेज नहीं लिख रहे हो अपने ससुर को, समझ में आ रही बात? 4,90,000 माइनस 2,50,000 कितने बचे बेटा? 2,40,000। यहां पे क्या करोगे? टैक्स रेट कितना परसेंट है बोलो बेटा? 5%। यस इंटू 5%। बोलो बेटा टैक्स लाइबिलिटी कितनी आई? इज इट 12,000? आवाज निकालो, इज इट 12,000? यस 12,000। ओके अच्छा एक मिनट, क्या टैक्स में सिर्फ टैक्स होता है? नहीं। क्या इसमें रिबेट भी होता है? यस। वैसे अगर देखा जाए तो आप इसका डायरेक्ट आंसर भी मेरे को कह सकते थे कि सर रिबेट मिल जाएगा, लेकिन नहीं। एग्जाम में कभी भी ये गलती मत करना। एग्जाम में बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं आपको पता है कि भैया 5 लाख से कम का इनकम है तो टैक्स जीरो ही आने वाला है, तो ना तो वो पेपर में टैक्स लाइबिलिटी लिखते हैं ना तो वो टैक्स लिखते हैं, वो लिखते ही नहीं। बोले यार ये तो अज्यूम्ड है। हर चीज अज्यूम नहीं होती। उसने तुम्हें देखा, उसने तुम्हें स्माइल दी, पर तुम आगे की चीजें अज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि यही सबसे बड़ी गलती होती है। तो ये गलती कभी मत करना। बुलाती है मगर जानेगा नहीं। अब टैक्स लाइबिलिटी आ गई 12,000 रुपए। सोच के देखिए रिबेट का कंसेप्ट भी यहीं पढ़ते हैं। चलो आओ रिबेट का कंसेप्ट भी यहीं पढ़ते हैं। रिबेट इज असेसी इंडिविजुअल, नोट्स देखिएगा, इज असेसी इंडिविजुअल, यस। इज असेसी रेसिडेंट, यस। क्या आपकी टोटल इनकम फ्रॉम ऑल 5 हेड्स आफ्टर डिडक्शन, एक मिनट टोटल इनकम की बात चल रही है, ठीक है मेरे। आप पीछे देख सकते हैं स्क्रीन पे एक भाई आप किस लिए घूम रहे हैं, वो कुछ टेक्निकल डिटेल सॉल्व कर रहे हैं, आप सिर्फ एक फैट ऑब्जेक्ट को देखें, ठीक है। चलिए वो आपकी सुविधा के लिए काम कर रहे हैं। टोटल इनकम की बात चल रही। बच्चों मेरे को कुछ टोटल इनकम याद नहीं आ रहा, रिवाइज करवाओ। इनकम ऑफ ऑल 5 हेड्स प्लस क्लबिंग, बोलते जाओ। इनकम ऑफ ऑल 5 हेड्स प्लस क्लबिंग माइनस सेट ऑफ माइनस डिडक्शन, टोटल इनकम की बात कर रहे हो। अगर मेरी टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड, फाइल है वो नॉट बड़ा हॉट है, 5 लाख एक्सीड नहीं करना, मतलब 5.5 लाख पे भी रिबेट मिलेगा क्या मालिक? So if assessee is individual, resident and does not exceed 5 lakh, rebate is 12,500 or 100% of tax, whichever is lower. लेकिन एक बात याद रखना, rebate is not available from tax computed under 112A. जब मैं कैपिटल गेन में रहूंगा तब मैं आपको इसका क्या बताऊंगा, रीजन बताऊंगा। हाल फिलहाल में बस ये याद रखिए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A में से रिबेट मिलता नहीं है, ठीक है। तो चलिए इस पॉइंट पे वापस आते हैं। एसएससी की टोटल इनकम कितनी थी? 4,90,000। कुछ असम्पशन सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। प्रॉब्लम में अगर एसएससी का नाम दिया है, राइट, और ये नहीं लिखा कि वो रेसिडेंट है या नहीं है, फर्स्ट असम्पशन रेसिडेंट अज्यूम करो। इन शॉर्ट आप तभी किसी व्यक्ति को नॉन रेसिडेंट अज्यूम करेंगे जब प्रॉब्लम में लिखा होगा, तब तक के बाय डिफॉल्ट में इसको रेसिडेंट अज्यूम करोगे। आल का हाउ। दूसरा, अगर उसकी एज ना लिखी हो, कॉमन असम्पशन वो 60 के नीचे है। तो 2 असम्पशन आपके दिमाग में हमेशा फिट रखना है, एग्जामिनर ने बोला या नहीं बोला। पहला, उसके एज नहीं लिखी, वो 60 से नीचे। दूसरा, नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट का इश्यू है, रेसिडेंट उसमें भी आरओआर आगे चल के आप, क्योंकि वापस ये सवाल मेरे से पूछेंगे, उसमें भी आरओआर अज्यूम करके आगे बढ़ जाना। सर फिर इसका कोई असम्पशन लिखना जरूरी है क्या? नहीं, हर चीज कहीं नहीं जा सकती। अरे हर चीज कहीं थोड़ी नहीं जा सकती, वो दम कहां अल्फाजों में जो आंखें बयां कर दे, बात समझना। इज असेसी इंडिविजुअल, मैंने कुछ नहीं कहा। अब बताइए, इज असेसी इंडिविजुअल, इज असेसी इंडिविजुअल, यस। क्या वो रेसिडेंट अज्यूम कर लूं? क्या टोटल इनकम 5 लाख से कम है? बताइए क्या रिबेट मिलेगा? बताइए टैक्स लाइबिलिटी के बाद आप इसमें से क्या माइनस करेंगे? रिबेट। अंडर सेक्शन 87A रिबेट कितना माइनस करूं? 100% ऑफ टैक्स, मतलब 12,000 या 12,500, व्हिचएवर इज लोअर। बताइए क्या पूरा 12,000 माइनस कर दूं मैं? तो आपका फाइनल टैक्स कितना आया बेटा? नील। सर आपने HEC तो लगाया ही नहीं। हाँ बेटा, HEC एंड वाली एक्टिविटी होती है, नेट टैक्स पे क्या लगता है? HEC। अब जब आपका टैक्स ही नील आ गया तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज ऑलवेज जीरो, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज ऑलवेज जीरो। तो आपका टैक्स क्या आ जाएगा बेटा? नील। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। अब बेसिक गलती हर बच्चा इतना तो करता ही है। एक रैंकर आपसे अलग क्या कर रहा है? रैंकर पता है क्या करता है? इतना लिखने के बाद ऐसा लाइन मार देता, ये कर देता और यहां पे पर्टिकुलर्स लिख देता। वो आपसे ये अलग कर रहा है। दूसरी बात, आप ना इतना सब कुछ लिखते ही नहीं, सीधा नीचे फाइनल टैक्स लिखते, ये बीच का सब खा जाते भूख लगती तो। वो ये भी लिख के आता है और यहां वो आपसे 1-2 मार्क ज्यादा लेके जाता है। चलिए फिक्स हो गई ये बात। चलिए एक और क्वेश्चन करिए मेरे लिए, ठीक है। आर यू रेडी? लो साहब मेरी टोटल इनकम, साहब मेरी टोटल इनकम 7,80,000 रुपीज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थोड़ा टाइम बाउंड काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपको मैं टैक्स कंप्यूटेशन के लिए सिर्फ 2 मिनट दूंगा, पूरा दम लगाइए, 2 मिनट में आंसर निकालिए। टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप, स्टॉप। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कोई भी चीज टाइम बाउंड में करनी होगी, नहीं तो पेपर कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। अब आपने क्या सीखा? आंसर आपको पूरा आता है, आपने देखो कुछ गलती है, समझो पहले आंसर पूरा आता है, दिमाग में स्टेप बाय स्टेप पता है क्या करना है, तकलीफ कहां हो रही है बताओ? लिख के कंप्लीट नहीं हो रहा। इसका सॉल्यूशन क्या है? क्वेश्चनेयर उठाना, क्वेश्चन पकड़ना, आज का एक्टिविटी 7 से 8 क्वेश्चन दनादन सॉल्व कर लेना, 7 से 8 क्वेश्चन दनादन क्या कर लेना, सॉल्व। इससे स्पीड आएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक है लॉन्ग कट मेथड, ठीक है, एक है लॉन्ग मेथड और दूसरा है शॉर्ट मेथड। पॉइंट टू बी नोटेड, कोई भी बुक में ये कहीं नहीं लिखा है कौन सी मेथड से सॉल्व करना है, तो यू आर ओपन टू सॉल्व विथ एनी मेथड। पॉइंट नंबर 1, राइट। लॉन्ग मेथड मतलब क्या? 7,80,000 को आप शांति से एक एक स्टेप में करें। पहला अप टू 2,50,000 तक के टैक्स क्या रहने वाला है बेटा? निल। यस। नेक्स्ट 2,50,000 तक के टैक्स हो जाने वाला है 12,500। डू यू एग्री? 5 लाख तक के टैक्स कितना आता है बेटा? 12,500। अब कितना बच रहा? 5 लाख तो हो गए, बैलेंस 2,80,000 पे क्या ये 20% अप्लाई करना पड़ेगा? अरे एवरीबॉडी, ये आ गया 56,000 से, यस, और टोटल बना आपका 68,500। ये है एक आम जिंदगी, ये है एक आम जिंदगी जहां आप बाकायदा एक एक चीज करें। गलती होने के चांसेस भरपूर, क्योंकि नेक्स्ट 2,50,000 की जगह आपने सीधा 5 लाख कर दिया, तो यहां पे 100% हो जाएगी गलती। अब इसको शॉर्टकट में कर सकते हो। इसी चीज को कैसे कर सकते हो बेटा? शॉर्ट कट। फॉर एग्जाम्पल मान लो, अब आपने लिखा आपका टोटल इनकम, आपका टोटल इनकम लिखा बेटा आपने 7,80,000। मेरा बच्चा मेरे को प्यार से सोच करके बताएगा, क्या तुझे ऑलरेडी पता है 5 लाख तक के टैक्स कहां से आने वाला है? हाँ या ना? क्या तुझे ऑलरेडी पता है? बाजू में एक और कॉलम बना दे टैक्स, यहां बना दे एक कॉलम इनकम, बराबर। यहां पे लिखने का अप टू 5 लाख, अप टू 5 लाख। डायरेक्ट टैक्स कितना आ गया बेटा? 12,500। इससे फायदा क्या हुआ? तेरे को शॉर्टकट यही के यही मिल गया। चलिए, टेक्निकल इश्यू सॉल्व हो गया। थैंक यू सो मच हम सभी की तरफ से। आप लोगों को मोबाइल बंद करके आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं, जितने ऑनलाइन बैठे हैं यही ध्यान दें। अब जरा देखिएगा, अप टू 5 लाख तक के टैक्स तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी फिट है। तुम्हारा अगर इससे 2 सेकंड भी बच गया तो तुम 2 सेकंड कुछ और कर पाओगे, समझ लेना बात। अब बैलेंस कितना बचा बोल मेरे भाई? अगेन वही चीज हो गई, बैलेंस कितना बचा? 2,80,000। 2,80,000 का 5% कितना, सॉरी 2,80,000 का 20% कितना है बेटा? 56,000। देख ले बेटा, तेरे आंसर में कहीं कोई चेंज आ रहा नहीं है, तेरे आंसर में कहीं कोई चेंज आ रहा नहीं है। तो बोलो लेके प्रभु का नाम, इसमें और क्या चीज ऐड करनी पड़ेगी? HEC। ए लाला, क्या मेरी टोटल इनकम 5 लाख के ऊपर है? दिमाग में चलते रहने दो। क्या मेरी टोटल इनकम 5 लाख के ऊपर है लाला? मेरे को रिबेट मिलने वाला? क्या मेरी इनकम 50 लाख के ऊपर है? नहीं। मेरे को सरचार्ज लगने वाला नहीं। जब भी टैक्स निकालो अपने मस्तिष्क में उसकी यादों के साथ 2 चीजें याद रखो। हमेशा अपने आप से पूछना, पहला, क्या 5 लाख से नीचे है? क्या 50 लाख से ऊपर है? क्या क्या क्या? वापस बोलो। मस्तिष्क में 2 चीजें याद रखनी पड़ेगी उसकी यादों के अलावा। पहला, क्या हम 5 लाख से नीचे है? क्या हम 50 लाख से ऊपर? टैक्स निकालते वक्त पहला सवाल अपने आप से पूछना, क्या हम 5 से नीचे, रिबेट 50 से ऊपर, सरचार्ज। तो अपने मन में ये बार बार पूछना। हाँ, क्या पूछोगे बोलो ना? वापस से पूछ लो, क्या हम 50 से नीचे है? नहीं। क्या हम 50 से ऊपर है? नहीं। क्या डायरेक्ट HEC लगा सकता हूँ? HEC, आओ बेटा इधर, चलो पढ़ते पढ़ते ही सारी चीज पढ़ेंगे। रिबेट पढ़ लिया, HEC is applicable at the rate of 4%, but 4% is after surcharge or rebate. आफ्टर सरचार्ज और रिबेट। तो अब आप मुझे बताइए, मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूं, जानबूझ के स्लो जा रहा हूं, बात समझिए। 68,500 इंटू 4%, 2740, टोटल कितना हो गया बोल मेरा बच्चा? 71240। इधर भी HEC आएगा, HEC 2740 71240। आप देख सकते हैं, चाहे आप शॉर्टकट में सॉल्व करें चाहे आप लॉन्ग कट में सॉल्व करें, और आंसर रिमेन सेम। बट इसमें से आपको जो इजी लगे आप फॉलो कर सकते हैं, इंक्लूडिंग मेरी क्लास में भी आपको जो लगता है फॉलो करना चाहिए आप कर लें, कोई तकलीफ नहीं है, आंसर विल रिमेन सेम। क्लियर है मेरा बच्चा? नहीं नहीं, ये तो मैंने सॉल्व किया, एक आप और करेंगे, ठीक है, डरना मत, एक और करो। चल बेटा, मेरी टोटल इनकम है 9,99,500। कम ऑन एवरीबॉडी, यूज योर कंप्लीट ब्रेन and start. Your time starts now. और उतनी ही स्पीड में लिखो, इधर उधर बिल्कुल ध्यान मत देना। तुम्हारा ध्यान हटा, तुम्हारा अटेम्प्ट लगा। बाजू वाला कुछ बोले, चिड़िया की आवाज आए, चलती गाड़ियों की आवाज आए, अरे तेल लगाने गया। क्योंकि एक और अटेम्प्ट अब तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे। गलतियां होंगी, मत डर, तेरे से गलती हो सकती है, मत डर। पेज वेस्ट करना ज्यादा बेटर है अटेम्प्ट वेस्ट करने से। एनीवन विद द फाइनल आंसर? जी यस, जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे जल्दी से अपना जवाब दीजिए। एक जवाब वैष्णवी की तरफ से आ रहा है मेरे पास, जवाब सुनिए सर। एक जवाब आ रहा है 116896, ठीक है, एक जवाब आ रहा है, एक जवाब दे रहा है 116900, एक जवाब आ रहा है 1,17,000। बहुत बढ़िया बेटा अरिहंत, बहुत बढ़िया, ऑनलाइन बैठा है मेरा भाई। यस बोलो बोलो, टेल टेल डन है, पक्का श्योर हो गए हो? चलो चेक करते हैं। अब देखो तुम क्या कर सकते हो। जहां तुम्हें इनकम 10 लाख के नीचे दिख रही, अपने मन से वापस से पूछो, क्या 5 लाख तक का टैक्स? मेरे हर बच्चे को यहाँ पे पता है, हाँ या हाँ, अरे हाँ या हाँ, अरे हाँ या हाँ। तो क्या मैं कर सकता हूं, अप टू एन इनकम ऑफ रुपीज 5 लाख, 5 लाख तक का टैक्स कितना आएगा बेटा? 12,500 रुपए। क्या हमने बेसिक एग्जाम्पन लिमिट दिया? हाँ, चेक करो ना, 5 में से 2.5 गए, बचे हुए 2.5 पे ही 5% लिया, तो हम बेसिक एग्जाम्पन लिमिट दे रहे हैं। अच्छा, बैलेंस इनकम कितनी बची मेरे भाई जी? 4,99,500। इस पे टैक्स रेट 20% का था, तो बोलिए ना साहब, 4,99,500 इंटू 20%, इज इट 99,900? आहो, तो आपका टोटल बना 1,12,400 रुपए। एवरीबॉडी, वापस से जब भी मैं टैक्स निकालने आऊंगा मेरे मन में 2 तरीके के सवाल उठने चाहिए, क्या 5 से नीचे है और 50 से ऊपर है, दोनों भी सिचुएशन दिख रही नहीं? तो अब तेरे मेरे बीच में एक ही चीज बची, HEC एट द रेट ऑफ 4% इंटू 4%, इज इट 4496? 116896, ये आपकी आ गई टोटल टैक्स लाइबिलिटी। शॉर्टकट से निकालो या लॉन्ग कट से निकालो, आंसर विल रिमेन सेम। आहो, यहां आपने आंसर तो सही निकाला लेकिन आपका आंसर गलत है, पूछो ना क्यों? आप सेक्शन 288 ए और 288 बी को भूल जाते हैं, जो आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये बहुत छोटा सा माइनर सा सेक्शन है लेकिन हम भूल जाते हैं, एक्सेप्टेड, हम भूल जाते हैं। आइए मैं समझाता हूं। टैक्स में बेटा सिर्फ टैक्स नहीं होता, टैक्स में क्या होता है, जो आपकी टोटल इनकम और टोटल टैक्स है इसे राउंड ऑफ किया जाता है इन मल्टीपल ऑफ रुपीज 10। जो आपकी टोटल इनकम और टोटल टैक्स है इसे राउंड ऑफ किया जाता है इन मल्टीपल ऑफ ₹10। सर इन मल्टीपल ऑफ ₹10 थोड़ा इंग्लिश हो गया, अपनी भाषा में समझाओ ना, थोड़ा इंग्लिश हो गया, अपनी भाषा में समझाओ ना। बड़ा सिंपल है, आखिरी वाली फिगर पे फोकस करें। सर कौन सी फिगर? नहीं, एक मिनट सुनिए, आखिरी वाली फिगर पे फोकस करें। कौन सी फिगर पे फोकस करेंगे आप? आखिरी वाली फिगर पे फोकस करें। आखिरी वाली फिगर अगर अप टू 4 है, आखिरी वाली फिगर अप टू 4 है तो लोअर साइड राउंड ऑफ, नहीं तो हायर साइड राउंड ऑफ। यानी 5 या 5 से ऊपर है तो हायर साइड राउंड ऑफ। अब ये 5 या 5 से ऊपर है, 5 और 5 से ऊपर है, यस इट शुड बी 116,900। अब अगर आप ये सिर्फ एक एडजस्टमेंट नहीं करते, हाफ मार्क आपका यहां कटता है। आंसर सही होगा बट फिर भी एग्जामिनर आपका हाफ, नॉट हाफ, 0.5 मार्क आपका यहां पे कट कर देगा बिकॉज यू फेल टू अप्लाई 288B। यू फेल टू अप्लाई 288B। सो एक मिनट, जब इतना पढ़े हैं सर ये भी हमारे सिलेबस में है, कमाल करते हो पांडे जी। तीसरा नोट पढ़ो, 288A talks about total income round off, 288B talks about total tax round off, and both are rounded off in multiple of ₹10. Are you getting my point? चलिए 10 लाख तक का टैक्स है, आपका शॉर्टकट कितना आएगा? 1,12,500। चलिए एक बार कैलकुलेटर पे निकालना सिखाता हूँ। 10 लाख में से कहां तक का टैक्स आपको ऑलरेडी पता है, कैलकुलेटर पे लो। 10 लाख में से कहां तक का टैक्स पता है? 5 लाख माइनस कर दो 5 लाख, बचे हुए पे कितना पर निकालोगे? 20% इंटू 20%, 1 लाख आ गया। एड पहले 5 लाख तक का कितना था? 12,500। एड 12,500, टोटल कितना आया? 1,12,500। यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 10 लाख तक टैक्स का शॉर्टकट कितना हो गया? 1,12,500। आहो 1,12,500, याद रहेगा दिमाग में। कैसे किया मुझे नहीं समझा, प्लीज वापस करिए। 10 लाख एवरीबॉडी, 10 लाख माइनस 5 लाख तक का टैक्स दिमाग में था, बाजू कर दो। बचे हुए 5 लाख पे 20% लगाना था, बराबर है। ये 1 लाख आया टैक्स, प्लस जो पहले 5 लाख है उस तक का टैक्स कितना था? 12,500। ऐड कर दो 12,500। यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 10 लाख तक के टैक्स आपका क्या आएगा? 1,12,500, बराबर है। ये फिक्स हो गया दिमाग में, ये भी फिक्स कर लीजिए। यानी 5 लाख की लिमिट फिक्स हो गई, 10 लाख तक की लिमिट फिक्स हो गई। ठीक है, ऐसे कैसे फिक्स हुई? बोलो नहीं हुई। एक और प्रॉब्लम लिखो, ये सब एग्जाम्पल नंबर 1 ही चल रहा है। हाँ, ये सब एग्जाम्पल नंबर 1 ही चल रहा है, नंबर्स मत बदलना, मेरे हिसाब से चलने देना। ये सब एग्जाम्पल नंबर 1 है। लो जी साहब, आपकी टोटल इनकम मैंने ला ली 25,66,832 रुपीज। आपको समझा मैंने क्वेश्चन क्या ट्विक किया है? अप्लाई कीजिए कोई प्रोविजंस, सारे प्रोविजंस अप्लाई कीजिए और बताइए, एक बार मुझे बताइए। 25,66,832, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला स्टेप क्या होना चाहिए? राउंड ऑफ 288A। सो यहां लिखिए राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 288A 25,66। बताइए कौन सी फिगर पे फोकस करूं? क्या ये 4 तक के है? इज इट 830? लो, अब आपको कंप्लीट फिगर मिल गई। अब कंप्लीट फिगर के साथ करना क्या है वो तो आपको पता है। अरे मेरा मतलब, चलो चलो चलो। हाँ जी, बताइए कहां तक का टैक्स मेरे बच्चे को पता है? इनकम अप टू 10 lakhs। कितना आया बेटा? 1,12,500। जब भी कुछ प्रॉब्लम में नहीं दिया हो, अज्यूम कर ले 60 से नीचे है, अज्यूम कर ले रेसिडेंट है। बैलेंस इनकम कितना बचा? 15,66,830। इस पे टैक्स रेट कुछ याद नहीं आ रहा, बता बेटा। 10 lakhs के ऊपर का टैक्स रेट कितना परसेंट है? इज इट 30%? ब्रो, हैशटैग ब्रो, इज इट 30%? सो दिस कम्स 470049। एवरीबॉडी, यस। क्या मैं मेरा टोटल टैक्स निकाल सकता हूं मेरे दोस्त? टोटल टैक्स 58 2549 एवरीबॉडी। हाँ, क्या 5 से कम है? क्या 5 से कम है? क्या 50 से ज्यादा है? क्या मैं यहां पे ऐड कर दूं मेरा सीधा सीधा HEC एट द रेट ऑफ 4%, 23302 कर दूं? है ना, ₹1 के लिए चिल्लाना मत, सब एंड में राउंड ऑफ ही होने वाला है ना। हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे, टैक्स पढ़ रहे। बोलो बेटा, टोटल इज 60585, लो 60585 1। अब क्या इसके नीचे राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा, 60585 0। डोंट यू थिंक सो एवरीवन? समझ में आ रहा है कैसे बड़े प्रॉब्लम को भी शॉर्ट किया जा सकता है? लेकिन आप समझ नहीं रहे, आपको भी टोटल इनकम डायरेक्टली दी जा रही है। ये जो तुम्हारे 20 मार्क के प्रॉब्लम है ना, उसमें का 3 मार्क का काम आप कर रहे हो। टोटल इनकम निकालना उसके पहले काम है। समझ में आया? तुम्हारा मेन काम ना टैक्स लायबिलिटी सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी सॉल्व करते वक्त लगता है अपने को आपुनीच भगवान है, आ गया। फिर जब टोटल इनकम प्लस टैक्स लायबिलिटी आती ना, तब अपने को समझ में आता क्या गर्दिश में तारे हैं, क्योंकि अपन सिर्फ टोटल इनकम ही निकालते, टैक्स तो निकालने का संबंध ही नहीं आता अपना। समझ आ रही है बात? यही होती है गड़बड़। आप 20 मार्क में से 3 मार्क की एक्टिविटी पे कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, आपको 17 पे कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। समझ आ रही है बात? चलो जी, ये क्लियर है मालिक। चलो एक बार नोट्स पढ़ लेते हैं, वापस ध्यान से समझते हैं। असेसी हु इज इंडिविजुअल बिलो 60 अप टू 2,50,000 नील 2,50,000 टू 5 लाख 5%, शॉर्टकट इज 12,500। 5 लाख टू 10 लाख 20%, शॉर्टकट इज 1,12,500। अबाउट 10 लाख इज 30%। जब भी टैक्स निकालोगे क्या 4% का HEC आएगा? क्या रिबेट मिलेगा? यस। रिबेट की कंडीशन कितनी है जल्दी से बताइए। असेसी शुड बी इंडिविजुअल, ही शुड बी रेसिडेंट। और जिसने मुंह नहीं खोला रिविजन के वक्त उसको 25 अटेम्प्ट की कसम सालो, जाओ। यस, चलो जल्दी से बताओ। हाँ, क्योंकि अबे चुप तो तुम वैसे ही घर पे बैठे हो, यहां तो बात कर लो। चुप तो तुम वैसे ही घर पे बैठे हो, और कितना शांत रहोगे और कब तक? है ना, कितना शांत रहोगे कब तक? अब तो बोल लो। हाँ, जल्दी बोलो। असेसी शुड बी, ही शुड बी, टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड, तो रिबेट मिलेगा लोअर ऑफ 12,500 और 100% ऑफ टैक्स। तीसरी चीज रिबेट में ही बताइए। एक टैक्स ऐसा है जिसमें से रिबेट मिलता 112A। जो भी आप इनकम निकालेंगे या टैक्स निकालेंगे, ये दोनों को क्या किया जाता है बेटा? राउंड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ ₹10। क्लियर है मालिक? अरे आ हो, ये देखिए, इसको कहते हैं रूल ऑफ 5। इफ टैक्स कैलकुलेटेड इज 81,501, आप ही बताइए राउंड ऑफ क्या हो जाएगा? 81,500। सॉर्टेड है मालिक? चलिए, अब एक इशू था, इस इशू को समझिए फटाफट। टैक्स कंप्यूटेशन के वक्त एक इशू था। इशू क्या था? इशू ये था कि सर, एक जन ने केस डाला, बेचारा फ्रस्ट्रेट हो चुका होगा। 1 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? अप्रैल फूल, ठीक है। अब सोचिए, कोई आदमी प्रीवियस ईयर में 59 का था, 1 अप्रैल को .60 का हुआ। अब प्रीवियस ईयर में वो क्या रहा? नॉन सीनियर, और 1 अप्रैल को ही उसका बर्थडे है। क्या बन गया वो? सीनियर। यानी प्रीवियस ईयर में वो था नॉन सीनियर, असेसमेंट ईयर में हो गया सीनियर। अब सीनियर एओ के पास जाए, एओ को बोले मैडम मुझे 3 लाख का दीजिए ना, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। एओ नहीं, आपको 2,50,000 ही मिलेगा। कैसा कर रही है मैडम, ऐसा कर रही है आप? अब तो मैं सीनियर सिटीजन हूं। नहीं, सीनियर सिटीजन आप प्रीवियस ईयर में नहीं थे, असेसमेंट ईयर में थे। मुझे एक बात बताइए, कंफ्यूजन समझ आ रहा है आपको? क्या है कंफ्यूजन? ये है कि जिस आदमी का 1 अप्रैल को बर्थडे आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, मैं मिनट्स नहीं बोलूंगा क्योंकि बर्थडे रात 12 बजे हो रहा है, जस्ट बिकॉज फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उसका 50,000 से नुकसान हो रहा है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में। क्योंकि जो व्यक्ति सीनियर सिटीजन है उसके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना बेटा? 3 लाख। डोंट यू थिंक सो? यस। अब उस व्यक्ति का तो नुकसान हो रहा है, वो तो अपना उठाएगा ही ना हक की आवाज। अरे वो तो अपने हक की आवाज उठाएगा ना, वो क्या बोलेगा कि भाई मेरे को 3 लाख का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट चाहिए, मैं नहीं लेगा 2,50,000। मैं 2,50,000 नहीं लेगा, मेरे को सीने। आप बताइए क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? एक इतना अजीब और गरीब सर्कुलर निकाला सीबीडीटी ने, और निकाला सिर्फ उनके लिए जिनका बर्थडे 1 अप्रैल को है। मतलब 2 अप्रैल वाले को ये बेनिफिट नहीं है, आप समझ रहे हो लॉ। 2 अप्रैल वाले को ये बेनिफिट है ही नहीं, धरती पे बेनिफिट दिया सिर्फ 1 अप्रैल वाले को। अगर किसी का बर्थडे 1 अप्रैल को आ रहा है और वो 1 अप्रैल के दिन ही सीनियर सिटीजन बन जा रहा है, ही इज एलिजिबल फॉर हायर बेसिक एग्जाम्शन लिमिट। सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, इमेजिन कर सकते हो तुम, मैटर कहां गया? सुप्रीम। इतनी झंडू बात के लिए मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट बोलता है टेक्निकली आप अगर 1 अप्रैल को आपका बर्थडे बोल रहे हैं तो आपका 60 का अटेनमेंट 31 को ही हो गया। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आपका 1 अप्रैल को बर्थडे है सो टेक्निकली यू अटेंड योर एज ऑन द 31st, 1 डे बिफोर ओनली। एंड दैट इज द रीजन कि अगर किसी का 1 अप्रैल को बर्थडे होगा तो भी उसको बेनिफिट कितना मिलने वाला है? हायर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सुप्रीम कोर्ट कहता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भैया टेक्निकली रात 12 बजे से ही बर्थडे सेलिब्रेट होना शुरू हो जाता है या नहीं है? है। अगर सोचो किसी खूबसूरत कन्या का बर्थडे रात 12, लड़कों का होगा, अगले रात 12 बजे दोस्त फोन करते हैं, अरे भाई तेरा बर्थडे था ना? था कुत्ते। लड़की का होगा, पूरी गली, पूरा मोहल्ला, पूरा रास्ता, पूरा कॉलेज, पूरा स्कूल, पूरे पास्ट एक सब मैसेज करते। आप समझ रहे हो? लड़की के केस में अलग है, वो पप्पा की भी परी है। लड़कों के केस में पप्पा को याद रह जाए बर्थडे तो बहुत है ना? नो ऑफेंस, बट ये होता है या नहीं होता? लड़कों के साथ आप मुझे बताओ ये होता है नहीं होता है? लेकिन लड़कियों के साथ रात 12 बजे से मैसेज आने शुरू हो जाते कि नहीं हो जाते? होता है हमारे साथ, क्या बोलेंगे अब। सो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ध्यान रखा और कहा कि टेक्निकली अगर किसी का 1 अप्रैल को बर्थडे है, उसका बर्थडे 31st को ही लग चुका है, एंड ही इज एलिजिबल फॉर हायर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो कोई 60 या 80 का हो रहा है तो अकॉर्डिंगली 3 लाख और 5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलेगा। सो चेक कर लीजिए। देयरफॉर इफ अ पर्सन, मैं सीधा लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं, इफ अ पर्सन इज बोर्न ऑन 1 अप्रैल 1962 और 1942, अकॉर्डिंगली 60 years और 80 years, he gets the slab rate benefit of 3 lakh or 5 lakh in the previous year. Are you getting my point? Yes. ना आज तक इस पर कोई क्वेश्चन आया है, ना मुझे एक्सपेक्टेड है इस पर कोई क्वेश्चन आएगा। तो सर पढ़ाया क्यों? जिम्मेदारी, यू नेवर नो, है ना? इंस्टीट्यूट कभी भी कुछ भी कर सकती है। आप सोच के जाओगे जीएसटी तो इजी आता है, खैर छोड़ो, क्या जले पे नमक छिड़को। यस, चलिए। सो नॉर्मल स्लैब रेट आपको जम गया मालिक। अब आते हैं हम लोग स्पेशल रेट ऑफ टैक्स पे। मैंने आपसे कहा था स्पेशल रेट दो प्रकार के, टैक्स रेट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉर्मल स्लैब रेट, नॉर्मल स्लैब रेट अप टू 2,50,000 निल, 2,50,000 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख एंड अबाउट 10 लाख। सीनियर सिटीजन के लिए 2,50,000 की जगह 3 लाख एंड सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख। ये देख लीजिए, सीनियर सिटीजन जिसकी एज 60 इयर्स और मोर है 3 लाख, जिसकी एज 80 इयर्स और मोर है 5 लाख एंड अकॉर्डिंगली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए अब आते हैं स्पेशल रेट ऑफ टैक्स के ऊपर। देखिए कुछ इनकम ऐसी होती है जो हर साल अर्न नहीं की जाती। आई मीन दीज आर नॉट द रेगुलर इनकम विच एसएससी अर्न्स। तो जब आपको भी कभी कभार मिला है तो भारत सरकार की बोलेगी तुझको मिला मुझको भी चाहिए। भारत सरकार बोलेगी कि नहीं बोलेगी? भारत सरकार बोलेगी यार तेरे को मिला मेरे को भी चाहिए। सो बात तो वही होगा कि भैया तेरे को मिला मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी स्पेशल रेट का बेनिफिट चाहिए। ऐसे केसेस में स्पेशल रेट्स निकाले गए। स्पेशल रेट्स को अलग अलग सेक्शंस के अंदर में लिखा गया और स्पेशल रेट्स कुछ इस तरह से है। क्या इन स्पेशल रेट्स को याद रखना है? हाँ। क्या इसके में से कभी भी कुछ भी पूछा सकता है? हाँ। मतलब सर हमारी, हाँ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A, 111 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में वही कैपिटल गेन आता है जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को सेल करके आया है। क्या बोला मैंने? वापस बोलो। जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को सेल करके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया है। हाल फिलहाल में हम डिस्कशन ये नहीं कर रहे हैं शॉर्ट टर्म गेन कैसे आता है, लॉन्ग टर्म गेन कैसे आता है। एक चैप्टर है कैपिटल गेन, वहां डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ टैक्स रेट समझिए आप मेरे साथ, ठीक है? जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं, आप बाकी सब समझदार हैं। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है जो आप शेयर से या सिक्योरिटीज सेल करते हैं उससे आता है। अगर ये शेयर सिक्योरिटीज के कारण आया है द टैक्स रेट इज 15%, द टैक्स रेट इज 15%। कुछ बातें क्लैरिफाई कर दूं, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स को इन जनरल, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स को इन जनरल बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता। मैंने इन जनरल पे 2 बार फोकस किया, क्यों बताऊंगा, अभी बताऊंगा, पर याद रखें ये रेट डायरेक्टली स्पेशल रेट पे एप्लीकेबल है, इन्हें जनरली स्पेशल रेट का बेनिफिट नहीं मिलता। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 ए बियॉन्ड 1 लाख 10%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है कुछ जो अगेन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज पे आता है। बियॉन्ड 1 लाख 10%, बियॉन्ड 1 लाख क्यों? 1 लाख तक का टैक्स एग्जम्पशन दिया गया है, मतलब 1 लाख रुपए तक के टैक्स नहीं लगता। आपके मन में सवाल उठेगा क्यों? रुकिए, एक बात समझिए, आप जब भी मेरे साथ टैक्स पढ़ रहे हैं ना, पेशेंस रखिए। मैं आपको ना 11वें चैप्टर से भी बेसिक में वापस खींच के लेके आऊंगा, पर मैं आपको एक कमिटमेंट करता हूं, अगर आपने मेरे साथ पेशेंस रखा ना तो मैं आपको कहीं से कहीं का भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा। बस पेशेंस रखिए कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इन हर सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। बस अभी टैक्स रेट समझ लीजिए। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो 112 ए में आता है, अगेन शेयर्स के ऊपर आता है, इस पे 1 लाख रुपए तक का बेनिफिट दिया गया है और इस पे टैक्स रेट रखा गया है 10%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112 में आता है, मान लीजिए आप कोई ऐसा एसेट बेच रहे हैं जो शेयर्स नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप गोल्ड बेच रहे हैं, अब इसके ऊपर जो कैपिटल गेन आता है वो जाता है 112 में। 112 और 112 में बेसिक डिफरेंस क्या मिला? 112 डील्स विद ओनली शेयर्स, 112 deal with shares plus other asset. So 112 also deals with shares, but it also deals with share plus other asset. Yes? तो बताइए मैंने बिल्डिंग बेची, कैपिटल गेन आया, वो कौन से सेक्शन में जाएगा? 112 या 112A? Yes? मैंने गोल्ड की घड़ी बेची, कहां जाएगा? क्लियर है? सो वो 112 के अंदर में जाएगा। यही मैंने शेयर्स बेचा, वो 112A में भी जा सकता है, 112 में भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कुछ कंडीशन है जो सेटिस्फाई करनी होगी। सो कम ऑन, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111 ए लिखा हुआ है 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112 लिखा हुआ है 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112 है 10%, बियॉन्ड 1 लाख। ये बियॉन्ड 1 लाख वाला मैटर सिर्फ 112 में है, 112 में 1 रुपए से 20% है, ठीक है। कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम मतलब सारे गंदे धंधे करके जो पैसे आए वो कैजुअल इनकम में आते, मतलब ड्रीम 11, लॉटरी, जुआ, सट्टा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। यस, आपने कैमल रेस में पैसे लगाया या आपकी कोई अदर फैंटेसी है, ऐसा कुछ भी आपने पैसा कमाया जो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी में काउंट नहीं हो सकता, ये सब कैजुअल इनकम के अंदर में आता है। एंड कैजुअल इनकम इज डायरेक्टली टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30% एज पर सेक्शन 115 BB, एज पर सेक्शन 115 BB। सेक्शंस को याद रखने का कुछ भी काम नहीं, मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, सेक्शंस को याद रखने का काम नहीं, कुछ जगह बाय डिफॉल्ट में याद रखेंगे, ये मेरा गारंटी। इसके नीचे के 2 रेट अभी हमें नहीं पढ़ना, इसे छोड़ देना है, आगे कहीं इस्तेमाल होंगे फिर देखेंगे, पहले 4 लर्न कर लीजिए, मैं लर्न करवा रहा हूं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए बियॉन्ड 1 लाख, ये बोलना मत भूले, बियॉन्ड 1 लाख 10%। शॉर्ट टर्म अंडर 111 है, 1 मिनट। अब अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो शेयर्स पे नहीं है, उनका क्या? नॉर्मल स्लैब रेट, मतलब अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए में नहीं है तो वो कहां जाएगा? स्लैब रेट। मैं यहां लिख रहा हूं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, आप मत लिखिए नोट्स में, आप लिख देंगे बाद में, नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 111 ए, ये कहां जाएगा बेटा? स्लैब रेट। यहां पे हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2, यहां पे हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2। रजिस्टर में जाइए, रजिस्टर में लिखे नॉर्मल प्लस स्पेशल रेट्स, एग्जाम्पल नंबर 2 नॉर्मल प्लस स्पेशल रेट्स। अब मैं आपको एक लेवल और ऊपर लेके जा रहा हूं, यहां मैं जितने प्रॉब्लम आपको बताऊंगा सबका एग्जाम्पल 2 ही रहेगा, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 मेरे हिसाब से चलते रहिए। यस, तो सबसे पहले 2.1, एग्जाम्पल नंबर 2.1, पीजीबीपी 5 लाख, डिविडेंड इनकम 3 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 3 लाख, लॉटरी 2 लाख। एक साथ में सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट आपने कर लेना, ठीक है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्वेश्चन टोटल इनकम पे आते हैं, आपने सॉल्व किया और चारों का आंसर इस तरीके से कुछ आया, तो आपका हेड क्या बनेगा मैं आपको बताऊं, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, आईएफओएस, मेनली तीन इनकम बनेगी। इन तीन को पकड़ के सबसे पहले आपको क्या निकालना है, अपनी टोटल इनकम। तो 5 + 3 + 3 + 2 आपकी टोटल इनकम बन रही है 13 लाख। सीएएस आपकी टोटल इनकम बन रही है कितनी बेटा, 13 लाख। क्या आपके पास टोटल इनकम अवेलेबल है? यस। लेकिन अनलाइक पहले वाले प्रॉब्लम, क्या अब आपको क्लियर क्लासिफिकेशन दिया है कौन सी इनकम कितनी है? सबसे पहले ऊपर से नीचे देखना, जब आप ऊपर से नीचे तक देखोगे तो आपको पता चलेगा कुछ तो अलग है। क्या अलग है? कौन सी इनकम स्पेशल में आ रही है यहां पे सोचो, 1 और 2 डिविडेंड आ रही है। क्या क्या आपने डिविडेंड के लिए कोई स्पेशल रेट पढ़ा? क्या कंक्लूजन है? जो कहीं नहीं जा रहे वो नॉर्मल है, जो कहीं नहीं जा रहे वो नॉर्मल है। तो डिविडेंड इज टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट। क्लियर है? आप में से कई बच्चे जिनका एटलीस्ट 2-3 अटेम्प्ट हो चुके होंगे पहले, या 2-3 अटेम्प्ट का जिन्होंने गैप लिया होगा, वो ये पूछेंगे डिविडेंड कब से टैक्सेबल हो गया? डिविडेंड तो एग्जम्प्ट हुआ करता था, डिविडेंड एग्जम्प्ट हुआ करता था, अब नहीं होता। डिविडेंड ऑलरेडी 2020 से टैक्स हो चुका है। तो बिकॉज ऑफ कोविड अगर किसी ने गैप लिया होगा, ये एक चेंज हुआ है, ये याद रखिए, डिविडेंड इज टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट नाउ। रेस, अब दो चीजें हैं। अब आप मुझे एक सोच करके बताइए, जब आपके घर में मेहमान आते हैं उनको आपके जैसे ट्रीट किया जाता है कोई काम के नहीं, या उनको स्पेशल ट्रीट किया जाता है? सोच के बताइए जल्दी। स्पेशल ट्रीट किया जाता है, यानी नाश्ता आता है तो पहले तुमको दिया जाता है या उनको दिया जाता है? उनको दिया जाता है, बराबर है। अब हमारे यहाँ भी कुछ स्पेशल मेहमान आया, आपको क्या लगता है इन्हें नॉर्मली ट्रीट कर दें या पहले अच्छे से ट्रीट करें? अच्छे से ट्रीट करें। अब देखिए आपके पास दो तरीके हैं, एक या तो आप इस तरीके का कुछ फॉर्मेट बना दे, वर्टिकल फॉर्मेट बना दे। मैं आपको दोनों सिखाता हूं, ठीक है, मैं आपको दोनों सिखाता हूं, एक फॉर्मेट 1, दूसरा फॉर्मेट 2। बट आई एम श्योर आप फॉर्मेट 2 के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, ठीक है। बट लेट अस अंडरस्टैंड, सबसे पहले ए करके हम सबसे पहले क्या डाल देते हैं, स्पेशल इनकम। चलो स्पेशल इनकम कौन कौन सी थी ढूंढते हैं। पहला क्या था बेटा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फॉर्मेट 2 बना लो, साथ साथ में बनाते रहो, फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2। आपको क्या सॉल्व करना है आपकी इच्छा। मेरे हिसाब से फॉर्मेट 2 इज मच टाइम सेविंग, बट मैं आपको सिखा दोनों रहा हूं। डन है बेटा? चलो फॉर्मेट 1 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना रुपए था बेटा? 3 लाख। टैक्स रेट कुछ याद नहीं आ रहा, टैक्स रेट कुछ याद नहीं आ रहा, 20%, इज इट 60,000? दूसरा क्या लॉटरी इनकम है हमारे पास? लॉटरी इनकम कितनी है मेरा बच्चा? 2 लाख। 2 लाख का परसेंटेज कुछ याद नहीं आ रहा, इज इट अगेन 60,000? यस। टोटल बाहर निकाल दो, 1,20,000। सर आपने HEC नहीं लगाया। HEC टोटल टैक्स पे आता है, अभी मेरा टोटल टैक्स नहीं निकला, ये तो सिर्फ मेरा स्पेशल है, स्पेशल ओवर। अब जो कुछ बचा B निकालो, सब नॉर्मल में डाल दो। अब अगर आप देखें, ये मेरा लाला पेन रोक, अगर तू देखे ना मैंने यहां पे बेसिक एग्जम्पशन लिया, ना मैंने यहां पे कुछ अदर चीज की, मैंने सीधा परसेंटेज पे मल्टीप्लाई करके टैक्स निकाल दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यही मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मैं इनको स्पेशल रेट नहीं देता जनरली, सॉरी मैं इनको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं देता जनरली मैं इनको नहीं देता। अब जो इनकम बची वो सब स्पेशल में डाल दो। कौन सी इनकम बची? सॉरी नॉर्मल में डाल दो। 5 + 3 = 8। चलो मेरी टोटल इनकम कितने निकल गई? 8। अब जो मैंने आपको आपके एग्जाम्पल नंबर 1 में सिखाया कि सपोज 8 लाख रुपए तुम्हारी टोटल इनकम है, तो टैक्स कितना निकालो 8 लाख में से। आप सोच के देखो आपको कहां तक की इनकम पता है जिस पे टैक्स निकाल सकते हो। क्या शॉर्टकट आपके लिए 5,000 आएगा? नियरेस्ट शॉर्टकट आपके लिए 5,000 आएगा, सॉरी 5 लाख आएगा। बैलेंस 3 लाख रुपीज, इस पे टैक्स रेट कितना परसेंट बेटा? इज इट 60,000? टोटल 72,500. डोंट यू थिंक सो? टोटल 72,500. डोंट यू थिंक सो? ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया स्पेशल. क्या अब मैं मेरा टोटल टैक्स निकाल सकता हूं? ए प्लस बी इज इट 192,500? आप मुझे बताइए, क्या मेरी टोटल इनकम 5 से कम है? टोटल इनकम, क्या मेरी टोटल इनकम, क्या मेरी टोटल इनकम 5 लाख से कम है? आवाज ना आई, मैं नहीं सुनिया, जोर से बोलो. क्या मैं डायरेक्ट एचईसी लगाऊं एट द रेट ऑफ 4%? इज इट 77,700 ब्रो? 2,02,000. अगर आप देखें, हमने पूरा वर्टिकल फॉर्मेट बनाया. आप ये भी एग्जाम में बना सकते हैं, आप ये भी एग्जाम में बना सकते हैं. इसमें एग्जामिनर को आपने अलग अलग दिखाया. एक मिनट, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, मैंने स्पेशल रेट पे टैक्स नॉर्मल में निकाला विदाउट गिविंग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट हमने किधर कंसिडर किया? नॉर्मल टैक्स निकालते हुए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमने यहां कंसिडर किया उसको, राइट एक फॉर्मेट था ये. दूसरा फॉर्मेट क्या है, विच इज मोर इजी एंड कंपैटिबल. आप सबसे पहले ये दो पार्ट को अलग कर दो. आपने अगर मेरे से पहले भी क्लास की होगी तो आपने देखा होगा, हम इस तरीके का कुछ फॉर्मेट यूज करते हैं, नॉर्मल प्लस स्पेशल, दो लोगों को अलग अलग कर दो. इससे पेपर में आपका स्पेस भी बचेगा और एग्जामिनर को प्रेजेंटेशन ज्यादा बेटर दिखेगा. क्योंकि ये देखो, आपने अगर इसके पहले कभी भी पेपर दिया, आपको पता है जो आपका आंसर शीट का साइज है वो इतना सा आता है, बराबर है. यहां कुछ लिखने गए, अगले पेज में भूल गए, तो इट्स बेटर कि एक ही पेज में आपकी जो दोनों चीजें आ जाए वो फॉर्मेट यूज करो. अब बताओ, मेरे घर पे स्पेशल लोग आए थे, चलो बताओ जल्दी से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना लाख रुपए बेटा? 3 लाख इंटू 20%, इज इट 60,000? लॉटरी 2 लाख इंटू 30%, इज इट अगेन 60,000? टोटल 1,20,000. देख लो भैया, आंसर मैच कर रहा है क्या? आंसर मैच कर रहा है. जो बच गया वो सब नॉर्मल में डाल दो. टोटल 8 लाख रुपीस. यहां पे टैक्स का कॉलम एक सेपरेट बना दो. अप टू 5,12,500. बैलेंस 3 लाख. टैक्स रेट इज इट 60,000? टोटल 72,500. यहां नीचे ला लीजिए, टोटल टैक्स ए प्लस बी 192,500. देख लीजिए सेम आ रहा है क्या? बट आप सोचिए, पेपर में प्रेजेंटेशन कौन सा बेटर लगेगा, 1 और 2? 2, क्योंकि ये कम स्पेस में ज्यादा चीज कंटेंट कवर कर देगा. इसमें ऐड कर दीजिए एचईसी एट द रेट ऑफ टोटल 2,00,200. राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी राउंडेड ऑफ है. समझ में आ रहा है? दो तरीका, तो दोनों तरीका है, आप दोनों में से जो यूज करना चाहे आराम से यूज कर ले. मेरा ओपिनियन 2 के तरफ है. एंड देयर इज नो रिटर्न रूल की कौन से फॉर्मेट में दिखना चाहिए, इसके लिए कोई मॉडल बनाया हुआ नहीं है. गेटिंग इट? पर ये तो मैंने सॉल्व किया, एक आपके लिए भी तो बनेगा ना भाई. 2.2 आई गेस एवरीवन. पीजीबीपी 4 लाख, डिविडेंड 3 लाख, इंटरेस्ट 2 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A 3 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 15 lakh. Your time starts now. All you got is 3 minutes. यस, जब तक के ऑनलाइन में किसी बच्चे को कोई डाउट है प्लीज आस्क. फॉर्मेट 1 फॉर्मेट 2 यू डिसाइड कि क्या करना है. पूरे वर्ड्स लिखो, मत वर्ड्स खाओ. इनकम, बैलेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा सब लिखो. फिर से वही गलती रिपीट मत करो. करूँ सॉल्व. तो चलो, यहाँ मेरा भाई है मोहम्मद, वो कह रहा है 2,05,400 इज वन ऑफ द आंसर. 1,63,800 अनदर आंसर. और कोई है? और कोई मालिक? लड़का पूछ रहा है सर स्टडी के साथ जिम जाना चाहिए या नहीं. टाइम बचता है तो जरूर जाना चाहिए बेटा, टाइम बचता है तो जरूर जाना चाहिए. जिम तो जाना बहुत अच्छी बात है. चले करें, कर दूं मैं. ओले फिर ये हो गया, आ गया ना. हाँ वही तो बोलूं मैं. चलो, हमारे घर में 2 लोग आए हैं. मैं मेथड 2 से सॉल्व कर रहा हूं. सबसे पहले कुछ हमारे घर पे स्पेशल लोग आए हैं. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारे घर पे स्पेशल आया है. इसको 15% दे दूं, किसी को कोई तकलीफ? ठीक है, लो जी 45,000. आहो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A मैं 2 लाख पे 10% दूंगा. किसी को कोई तकलीफ? याद है बियॉन्ड 1 लाख लिखते हैं हम. बियॉन्ड 1 लाख का मतलब 1 लाख तक उस अमाउंट पे टैक्स लगने वाला नहीं है. 1 लाख के ऊपर जो अमाउंट है उसी पे टैक्स लगेगा. ठीक है, इसके बाद भाई जी बचावा जो कुछ भी है, जो स्पेशल में हमने नहीं पढ़ा वो सब उठा के कहां डालेंगे? नॉर्मल. 4, 3, 7 और 2, 9. क्या हमारे पास टोटल नॉर्मल इनकम आया? 9 लाख रुपीज. 9 लाख में से मुझे कहां तक का टैक्स अब बिल्कुल पता है, अप टू 5 लाख. मेरा टैक्स क्या आने वाला है? 12,500. बैलेंस कितना बचा मेरा बच्चा? 4 लाख. 4 लाख पे यस इज इट 80,000 रुपीज. टोटल आया 92,500. आहो यस, इधर का आया, इधर का भी क्लोज कर देते हैं 65. चलो दोनों को ऐड कर दो. टोटल टैक्स 1 57,500। यस, क्या हम 5 से नीचे है? क्या हम 5 से नीचे है? क्या हम 50 से ऊपर है? तो बोल लो क्या करेंगे? एचईसी करेंगे 163,800। क्या मुझे राउंड ऑफ करना है? नहीं। आहो बहुत हार्ड, समझ में आई बात? सो इस तरीके से टैक्स कंप्यूट किया जा सकता है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आज घर जाना, क्वेश्चनेयर उठाना, क्वेश्चनेयर उठा करके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके देखना। अगर क्वेश्चनेयर में करीब 30-40 क्वेश्चन होंगे, यू आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व एटलीस्ट 15 आउट ऑफ देम। अगर 40 क्वेश्चन होंगे, एटलीस्ट 15 क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। बचे हुए को ऑडिट करो, समझ में आता। तुम करते क्या पता है क्या? तुम एक सॉल्व करते और बचा हुआ ऑडिट करते। ये गलत है। तुमको एटलीस्ट हाफ उसका सॉल्व करना है, हाफ ऑडिट करो। समझ में आ रहा है? कुछ टॉपिक्स के लिए ऑड फिगर उठाओ, कुछ टॉपिक्स के लिए इवन फिगर उठाओ। जैसे जैसे आपने पहला टॉपिक लिया, आपने 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से सॉल्व किया। दूसरा टॉपिक उठाओ, ऑड उठा लो, इवन उठा लो, ऑड इवन करते जाओ, तो तुम्हारे को पूरा बुक आसानी से कंप्लीट करने में मजा आएगा। समझ में आ रहा है मालिक? चलो ये सॉर्टेड है। अच्छा जी सर, आते हैं वापस। सर लास्ट के 2 रेट अभी हमने नहीं पढ़े, ये हम पढ़ेंगे कभी तो भी, जब जरूरत पड़ेगी तब। आइए, हमने नॉर्मल रेट पढ़ा, हमने स्पेशल रेट पढ़ा। स्पेशल रेट पढ़ने के साथ साथ अब हम पढ़ने जा रहे हैं सरचार्ज। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सरचार्ज अमेंडमेंट। अमेंडमेंट अमेंडमेंट आप नवंबर 22 के पहले के कभी भी स्टूडेंट रहे हो, या नवंबर 22 के तो रहे ही हो। अब आ चुका है यहाँ पे अमेंडमेंट। अब यहाँ अमेंडमेंट आने की जगह पे जहां जहां टैक्स कंप्यूटेशन आएगा इन फिगर्स के ऊपर, वहां वहां अमेंडमेंट आएगा। सरचार्ज में कहाँ कहाँ अमेंडमेंट है? ध्यान से सुनिए। सरचार्ज में मेजरली 2 जगह अमेंडमेंट है। एक इंडिविजुअल के सरचार्ज में अमेंडमेंट है, दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी के सरचार्ज के रेट में अमेंडमेंट है। यस, कितने जगह अमेंडमेंट है? 2। इंडिविजुअल के सरचार्ज रेट में अमेंडमेंट है, दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी के सरचार्ज रेट में अमेंडमेंट है। यस, पहले क्या था और अभी क्या है मैं वो बता दूं, ठीक है? पहले क्या था और अभी क्या है मैं पहले वो समझा दूं, तो आपको अमेंडमेंट का स्कोप समझ में आ जाएगा। देखो, इंडिविजुअल्स जो थे इनके लिए लिमिट कितनी थी? 50 लाख से ऊपर गए तो 10%। कुछ याद आ रहा है क्या? 1 करोड़ से ऊपर चले गए तो 15%, 2 करोड़ से ऊपर चले गए तो 25% एंड 5 करोड़ से ऊपर चले गए तो 37%। डोंट यू थिंक सो? यस, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP सभी के लिए ये कॉमन था, ठीक है? अच्छा, लेकिन इसे कहा जाता था एनहांस सरचार्ज। क्या आपको याद है? इसे कहा जाता था एनहांस सरचार्ज, जो एप्लीकेबल नहीं था। एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल टू डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज रेट कितना था? 15%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A मैक्सिमम सरचार्ज रेट 15%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A मैक्सिमम सरचार्ज रेट 15%। क्या आपको याद है? इसमें एक चीज गायब थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, वो भी ऐड कर दिया। अब समझो क्यों नवंबर 22 का बुक आपके लिए मई 23 के काम का नहीं, क्योंकि जहां जहां जिस जिस चैप्टर में ये इंपैक्ट आया होगा, सिर्फ बेसिक नहीं बदलेगा उतना, हर चीज बदलेगी। लॉजिक समझ में आ रहा है आप सभी को? क्या था? एनहांस सरचार्ज सिर्फ 3 सेक्शन पे एप्लीकेबल नहीं था, डिविडेंड इनकम, लॉन्ग टर्म 112A वाला, शॉर्ट टर्म 111 वाला। चौथी चीज लॉन्ग टर्म अंडर 112 भी इसमें ऐड कर दिया। मतलब अब लॉन्ग, सीधे शब्दों में कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम, ये बोल दूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम पे एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सब अदर इनकम पे एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल है। समझ में आया क्या चेंज किया? तो पहला चेंज उन्होंने ये किया कि इस लिस्ट में इस साल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 अपडेट कर दिया, जिसके कारण अगर आपके पास मेरी पुरानी बुक भी होगी तो देखिए यहाँ पे मैंने रेड मार्क से अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट कर रखा है, तो अब एनहांस सरचार्ज इन पे भी एप्लीकेबल नहीं। दूसरा जो चेंज एक और किया गया है मॉड्यूल में ना, ये क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे इसको सॉल्व करते हुए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूरे अपडेट हो गए और यही अपडेटेड क्वेश्चन हमने भी हमारे बुक के अंदर में डाल दिया एज इट इज, हम सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। यही पूरे अपडेटेड क्वेश्चन मॉड्यूल में है, ये भी अपडेट हुए, तो नॉट जस्ट योर आर क्लासेस बुक, इनफैक्ट आपके मॉड्यूल भी आपको जगह पे बदलने पड़ेंगे। इंडिविजुअल्स के केस में समझ में आया क्या बड़ा चेंज हुआ, ये बड़ा चेंज है और ये काम का है, ये बड़ा चेंज है। यस, दूसरी चीज कोऑपरेटिव सोसाइटी को जरा याद करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम अगर कितने से ऊपर जाती थी, 1 करोड़, तो सरचार्ज रेट वाज 12%। हेलो, सरचार्ज रेट वाज 12%, वो बदल गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी को बूस्ट करने के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बूस्ट करने के लिए 50 लाख से 1 करोड़ तक का इनकम होगा तो 10%, 1 करोड़ के ऊपर होगा तो 15%। समझ में आ रहा है क्या बदलाव किया गया है जीवन में? यस और नो? समझ में आ रहा है क्या बदलाव किया गया है जीवन में? यस, वेट अ मिनट। ये एओपी कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स के लिए है, ये एओपी कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स के लिए है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिस्कशन हम लोग 115 बीएडी के साथ करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिस्कशन हम लोग किसके साथ करेंगे? 115 बीएडी, क्योंकि उनके लिए भी टैक्स रेट क्या हो चुकी है? चेंज। चलिए, चेंज समझ में आ रहा है सभी को? चलिए डिस्कस करते हैं। सरचार्ज, सरचार्ज इज अ टैक्स ऑन टैक्स। से यस, सरचार्ज इज अ टैक्स ऑन टैक्स। सरचार्ज अगर मेरी टोटल इनकम अप टू 50 लाख रुपीज है, पहली बार टोटल इनकम की हम बात कर रहे हैं, अगर मेरी टोटल इनकम अप टू 50 लाख रुपीस तक के है, कोई सरचार्ज लगने वाला नहीं है। सो टोटल इनकम अगर मेरी सब मिला के, इंक्लूडिंग दिस ऑल फोर इनकम, कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम, 50 लाख रुपीस तक के है, कोई सरचार्ज लगने वाला नहीं है। अगर मेरी इनकम 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक के है, एनी काइंड ऑफ इनकम, सरचार्ज विल बी 10%। टोटल इनकम इंक्लूडिंग ऑल दीज इनकम 50 लाख बट Not exceeding 1 करोड़, 10% and 10%। टोटल इनकम इंक्लूडिंग 111 है, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है, मैक्सिमम सरचार्ज रेट कितना रहेगा बेटा? 15%। एनहांस सरचार्ज चालू ही 2 करोड़ रुपए के ऊपर होता है, यहां से आएगा चेंज। अगर मेरी टोटल इनकम, वर्ड देखिए यहां पे क्या लिख दिया, एक्सक्लूडिंग, अगर मेरी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दीज इनकम 50 लाख से ऊपर है, ये चार इनकम के ऊपर कितना मैक्सिमम रिस्ट्रिक्ट हो गया? 15%। अदर इनकम के ऊपर कितना हो गया बेटा? 25%। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां लिख रहे हैं हम एग्जांपल नंबर 3, यहां हम लिख रहे हैं एग्जांपल नंबर 3। रजिस्टर में जाइए, एग्जांपल नंबर 3, एनहांस सरचार्ज, एनहांस सरचार्ज, ठीक है, पीजीबीपी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, ठीक है, डिविडेंड इनकम 2.80 करोड़, 1 करोड़, 1.20 करोड़, टोटल इसको 1.10 कर दीजिए, कंफ्यूजन कम होगा, 4.90 करोड़। वेट अ मोमेंट, अब सोच करके बताइए, क्या दो इनकम हमारे पास ऐसी है जिसपे एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है? अब इसका फॉर्मेट किस तरीके से आप बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट कुछ मेरे साथ इस तरीके के बनाइए, बनाओ बेटा, पर्टिकुलर्स इनकम टैक्स सरचार्ज टोटल, HEC टोटल। आप अगर ऐसा कोई फॉर्मेट बनाते हैं तो ये ज्यादा इजी हो जाएगा। यस, सबसे पहला PGBP। PGBP इज 2.80 करोड़, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 करोड़। वेट, पहले डिविडेंड लिख रहा हूं मैं जानबूझ के, फॉर सम रीजंस। डिविडेंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड 1.10 करोड़, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 करोड़ अंडर सेक्शन 112। डन। चेक। सबसे पहले लॉन्ग टर्म का निकाल लेते हैं। 1 करोड़ का 20% कर लो मालिक, कितना आ रहा है? इज इट 20 लाख रुपीस? इज इट 20 लाख रुपीस? वेट अ मोमेंट, डिविडेंड के साथ पता है आपको लफड़ा क्या हो रहा है? डिविडेंड टैक्सेबल तो नॉर्मल रेट से है, पर सरचार्ज रिस्ट्रिक्टेड है। समझ आ रहा है क्या तकलीफ? एवरीवन प्लीज समझिए, प्लीज समझिए, मैं बहुत एडवांस लेवल पे हूं। यहां आपका इधर उधर भटकना आपके खिलाफ हानिकारक हो सकता है। डिविडेंड टैक्सेबल नॉर्मल रेट पे है क्या ब्रो? हैशटैग ब्रो। यस, लेकिन इस पे सरचार्ज रेट मिनिमम है या मैक्सिमम है? मिनिमम रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, इससे ऊपर का जा सकता नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, टैक्स रेट कैसे निकालें? देखिए यहां पर 2 सिचुएशन पॉसिबल है और 2 सवाल है, सोचना, समझना और बताना। मैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट डिविडेंड से भी माइनस कर सकता हूं और पीजीबीपी से भी माइनस कर सकता हूं। फायदा किसमें? फायदा पीजीबीपी में। लोग ऐसा कह रहे हैं, पूछो क्यों? अगर मैंने डिविडेंड से उसको एडजस्ट किया तो मेरा सरचार्ज पे भी इंपैक्ट पड़ेगा ना भाई, टैक्स के ऊपर सरचार्ज निकलेगा। अगर मैंने उसको पीजीबीपी से एडजस्ट किया तो उतना टैक्स कम हो जाएगा, तो मेरा सरचार्ज भी उतना कम हो जाएगा। यही अगर मैंने डिविडेंड से एडजस्ट किया तो उतना होने वाला नहीं है। चलिए 2 करोड़ 80 लाख टैक्स निकालिए। कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। पूछो कैसे? कैलकुलेटर पे लो, 2 करोड़ 80 लाख में से 10 लाख तक का टैक्स मेरे बच्चे को याद है क्या? 10 लाख तक का टैक्स कितना था? 1,12,500। इसमें से 10 लाख माइनस कर दीजिए, बचता है 2 करोड़ 70 लाख। इस पे डायरेक्टली 30%। हेलो, 10 लाख के ऊपर की सारी इनकम पे डायरेक्ट 30% आता है क्या ब्रो? इज इट 81 लाख प्लस 1,12,500, सो टोटल कम्स टू 82,12,500। फिर से सुने कैसे आया? 2.80 लाख में से पहले 10 लाख तक का टैक्स आया 1,12,500, 2.70 लाख पे 30%, ये आया 81 लाख, एंड हेंस टोटल 82,12,500। क्लियर है मालिक? अब आप मुझे बताइए डिविडेंड पे टैक्स रेट क्या लगाऊं? 30%। सर पर डिविडेंड तो नॉर्मल स्लैब रेट से जाता है, नॉर्मल स्लैब रेट से ही कैलकुलेट कर रहे हैं। 10 लाख तक का तो पीजीबीपी में से हटा दिया, बची जितनी इनकम थी वो सब डायरेक्टली कितने परसेंट से चल रही है? 30। तो बुरा तो नहीं लगेगा डिविडेंड पे मैं डायरेक्टली 30 लगा दूं तो? एक मिनट, कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, सर हम डिविडेंड में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्यों माइनस नहीं कर रहे? बेटे, मेरे बच्चे, मेरे लाल, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2 बार माइनस थोड़ी ना करेंगे। जब तुमने ऑलरेडी पीजीबीपी से कर दिया तो डिविडेंड से वापस थोड़ी ना करोगे। डिविडेंड पे टैक्स रेट सर नॉर्मल स्लैब रेट है, हम भी नॉर्मल स्लैब रेट ही लगा रहे हैं। 10 लाख के ऊपर का सब अमाउंट 30%, 10 लाख के ऊपर का पीजीबीपी का अमाउंट में हमने 30% से मारा, अब डिविडेंड अमाउंट है ये भी 30% से मारेंगे। 1 करोड़ 10 लाख इंटू 30% कितना आ रहा है? Is it 33 lakh bro? Are everybody? ये हमने कैसे निकाला 1.1 करोड़ इंटू 30%। ये 30% भी कैसा है बेटा नॉर्मल स्लैब रेट एवरीबॉडी। अगर हम इसको डिविडेंड से एडजस्ट करते, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं कि कैसे डिफरेंस आया था। अगर यही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हम पीजीबीपी से ना एडजस्ट करके डिविडेंड से करते तो क्या इंपैक्ट आता, मैं आपको वो भी बताऊंगा। जरा सुनना, क्या हमारा टैक्स निकल गया? चलो अब सरचार्ज निकालो, जरा सोच के बताओ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे सरचार्ज रेट कितना रिस्ट्रिक्टेड है 15, डिविडेंड पे रिस्ट्रिक्ट कितना है 15, और यहां पे कितना आएगा, यहां पे कितना आएगा 25 एवरीबॉडी। चलो निकालो फटाफट, 20 लाख इंटू 15%, इज इट 3 लाख रुपीज ब्रो? चेक कर लीजिए, सरचार्ज मेरा आ रहा है 20,53,125, 4,95,000 एंड 3 लाख। डू यू ऑल्सो अग्री विद द सेम कैलकुलेशंस? चलो अब टोटल कर लो। Is your total tax coming to 1,63,60,625? Don't go on my calculations. Make your own. Everyone, bolo bro. डन है? आपको नहीं लगता मैं इंडिविजुअल 4% लिखने की जगह इधर डायरेक्ट 4% भी ठोक सकता हूं? बात हो ही आएगी ना ब्रो। मैं इंडिविजुअल लिखना चाहूं इंडिविजुअल लिख दूं, मैं डायरेक्टली 4% ठोकना चाहूं तो भी काम हो जाए मेरा। इज इट 654425? माई फाइनल आंसर इज 170,150,50। दैट कम्स टू 1,70,15,050। राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। फिर से एक बार समझिए हमने क्या किया, हमने पूरा कैलकुलेशन फिर एक बार समझिए। मैं बहुत टेक्निकल पॉइंट पे हूं, फास्ट ट्रैक में मेरे साथ प्रॉब्लम ही ये होता है। यही अगर बेसिक होता तो मैं आपको हर स्लैब रेट के साथ एक क्वेश्चन लेता, हर सरचार्ज के साथ एक क्वेश्चन लेता। फास्ट ट्रैक में मेरे हाथ बंद जाते हैं टाइम लिमिट के साथ, क्योंकि मुझे कम टाइम में आउटपुट ज्यादा निकालना है। इसीलिए जरा ध्यान से सुनिए, ऐसे स्पेसिफिक प्रॉब्लम निकाल करके लाया हूं जिससे सीधा तुम्हारा कॉन्सेप्ट हिट करेगा, बाकी और कुछ नहीं। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, मैंने डिविडेंड भी खेल दिया, कैपिटल गेन भी खेल दिया। अब इशू क्या है, डिविडेंड टैक्स तो नॉर्मल रेट से हो रहा है पर उस पर सरचार्ज रेट 15% का रिस्ट्रिक्शन है। यस, अनलाइक कैपिटल गेन जहां पे टैक्स रेट भी सेपरेट है, वहां ऐसा नहीं हो रहा। वहां पे टैक्स रेट भी डिफरेंट नहीं है पर सरचार्ज रेट डिफरेंट हो जा चुका है डिविडेंड के साथ साथ। अब यहां पे मेरे पास दो ऑप्शन थे, कैपिटल गेन को मैंने लिखा, डिविडेंड को मैंने लिखा, पीजीबीपी को लिखा। इसके आगे मेरे साथ इशू ये आया कि पीजीबीपी एंड डिविडेंड तो नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स हो जाएंगे जबकि कैपिटल गेन 20% से होगा। मैंने कैपिटल गेन को 20% से निकाल लिया। अब आया मेरे पास एक सवाल, पीजीबीपी या डिविडेंड इनकम, मैं दोनों में से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट किसमें से माइनस करवाऊं? क्यों? क्योंकि इससे मेरा अल्टीमेटली इंपैक्ट टैक्स लायबिलिटी पे पड़ेगा। इससे मेरा अल्टीमेट इंपैक्ट कहां पड़ेगा? टैक्स लायबिलिटी। पूछो ना कैसे। चलिए इसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते, लेकिन एक बार बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इस बार हम किससे माइनस करेंगे? डिविडेंड। और समझते हैं टैक्स में क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि देखो मेरे पापा हमेशा कहते हैं 100 बकी और 1 लिखी। क्योंकि मैं अभी बोल रहा हूं तो शायद ही किसी को समझ पाए, पर हम यही चीज कर दे तो शायद किसी को समझ में आ जाए कि हर बार ऐसा करना क्यों है। चलो आओ यहां पे लिखो, और इफ वी एडजस्ट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट against dividend instead of PGBP. वापस से पूरा बना के सॉल्व करेंगे. पर्टिकुलर्स, इनकम टैक्स, सर टोटल, HEC टोटल, लेके आया PGBP, डिविडेंड, कैपिटल गेन. कैपिटल गेन का वैल्यू कितना था? 1 करोड़. डिविडेंड का वैल्यू कितना था? 1.10 करोड़. इसका वैल्यू कितना था? 2.80 करोड़. बराबर. यहाँ पे डायरेक्टली 20% के हिसाब से इज इट 20 लाख रुपीस? एवरीबॉडी डू यू एग्री? देखो, आप अगर आवाज नहीं दोगे और जो बच्चे ऑनलाइन बैठे, अगर आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे मजा आएगा सर? जल्दी बोलो हाँ या ना. हाँ या ना? ठीक है. अब सोचिए, मैंने इसके पहले क्या किया था? पीजीबीपी में से 10 लाख रुपए माइनस किए थे. मतलब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मैंने कहाँ एडजस्ट करी थी? पीजीबीपी. अब यही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मैं क्या कर देता हूँ? डिविडेंड से हटा देता हूँ. समझते हैं टैक्स में डिफरेंस क्या आएगा. सोच, 1 करोड़ 10 लाख ये मेरी इनकम है. इसमें से पहले 10 लाख तक के टैक्स आया 1,12,500. बचे हुए 1 करोड़ पे कितना परसेंट बेटा? 30%. मतलब कितना हुआ बेटा वो? 30 लाख. सो टोटल 30 लाख प्लस 1,12,500 इज इट 3112500. डू यू अग्री? ना ना, ऐसे मत अग्री करो, कैलकुलेट करो. वो गलती दोबारा मत करो जो पहले कर ली है ना. फिर मोहब्बत करने चला है तू, मत कर, पछताएगा. डन ब्रो? जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे सबको समझ में आ रहा है? हाँ या हाँ में जवाब दे. चलो, अब जो 2 करोड़ 80 लाख बच गए, 10 लाख के ऊपर की सारी इनकम 30% पे टैक्स है क्या ब्रो? सो 2 करोड़ 80 लाख पे 30%. अब आप सोच के देखो, जिसका टैक्स ज्यादा होगा उसका सरचार्ज भी तो ज्यादा होगा. समझ में आया कि अब क्या गड़बड़ चल रही? इधर देख, ऊपर तेरा टैक्स ही 82 लाख था. 82 लाख का 25% निकालना है हमको. अगर मैंने सेम चीज डिविडेंड में एडजस्ट कर ली तो 84 लाख का 25% निकलेगा. अब बता तू ज्यादा टैक्स पे करके एंड होगा या कम टैक्स पे करके एंड होगा? समझ में आया वाई इट इज नेसेसरी टू एडजस्ट इट अगेंस्ट पीजीबीपी रादर देन डिविडेंड इनकम. चलो करो आगे का सॉल्व. यहां 25%, यहां 15%, यहां 15%. लो जी, टोटल निकाल लो. Is it 1,637,9,375? That is 1,63,79,375. ये मेरा लाला, लाला देख जरा तेरा टैक्स बढ़ गया क्या? Here 1,60,625,000, here 1,63,79,375. जस्ट एक छोटे से एडजस्टमेंट की वजह से यू विल एंड अप पेइंग हायर टैक्स. अब इस पे 4% का और इंपैक्ट आएगा. एवरीबॉडी, यू एंड अप पेइंग 1,70,34,550. अर्लियर यू पेइंग 1,70,15,000. नाउ यू आर पेइंग 1,70,34,000. समझ में आ रही बात? सेम प्रॉब्लम इफ वी एडजस्ट हियर और देयर मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ सरचार्ज. सरचार्ज रेट के डिफरेंस के कारण आपका भयानक डिफरेंस आ रहा है. तो व्हाट इज योर कंक्लूजन? बताइए एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा? टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट पीजीबीपी, यस और नो? नीचे लिखो कंक्लूजन, नीचे लिखो कंक्लूजन। सबको समझ में आया क्या मालिक? एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। एवरीबॉडी, सबको समझ में आया मालिक? जितने लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं सबको समझ में आ रहा है? प्लीज राइट डाउन कंक्लूजन। इट इज बेटर टू एडजस्ट, इट इज बेटर टू एडजस्ट द इनकम, it is better to adjust the income against PGBP rather than dividend income, PGBP rather than dividend income, in order to reduce the overall tax liability, in order to reduce the overall tax liability. Aho, yes or no? मस्त क्वेश्चन था ना, थोड़ी बहुत नींद आती आती भी उड़ जाती ना जीवन में। क्यों ना मैं एक होमवर्क दे दूं, है ना? थोड़ा वहां भी दिमाग चल जाए। चलो एक होमवर्क लो फक्त तुमच्यासाठी, ठीक है? 2.2 हार्ड दो, इजी दो? बहुत हार्ड। 3 करोड़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 है 60 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 55 लाख, यस। डिविडेंड इनकम 5 लाख। टोटल पॉइंट 2 करोड़। ये आपके लिए होमवर्क है। आई एम श्योर आप एडजस्ट किससे करेंगे, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस एज फार एज टैक्स पेयर इज कंसर्न। यस मालिक? चलो इधर आओ फिर से। अमेंडमेंट क्या आया है? अब अमेंडमेंट ये आया है 112 में भी स्पेशल रेट एप्लीकेबल नहीं है, दैट इज एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। द स्पेशल रेट ऑफ एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ 112A। सीधा सीधा एग्जाम्पल ही अमेंडमेंट बेस लिया है। आहो, अमेंडमेंट एग्जाम्पल ही कैसा लिया बेटा? अमेंडमेंट बेस, ठीक है। अच्छा, तो बस ये इस बार ऐड हुआ है 5 करोड़ के ऊपर। सी, अगर आपका इनकम अप टू 5 करोड़ रुपए रहेगा, दैट इज 5 करोड़ से ऊपर रहेगा, 5 करोड़ तक के रहेगा 15% एंड 25%। 5 करोड़ के जैसे ऊपर चले गए, इन 4 कैटेगरी ऑफ इनकम के लिए मैक्सिमम सरचार्ज कितना बेटा? 15%। अदर इनकम के लिए सरचार्ज कितना बेटा? 37%। क्लियर है? अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये सबसे बढ़िया एडजस्टमेंट है। यहां दोनों जगह एक्सक्लूडिंग लिखा था, लेकिन यहां पे वापस इंक्लूडिंग लिख दिया। अब जरा समझिएगा इशू क्या राइज हुआ। कई लोगों ने क्वेश्चन रेस किया, वो नहीं रहते, वो कहते सर अगर ऐसा हुआ तो उन्होंने इनकम टैक्स के सामने भी ऐसा ही किया। सपोज कर लीजिए मेरा पीजीबीपी बन रहा है 1.80 करोड़ और मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का बन रहा है 40 लैक्स। अब दोनों मिला के 2.10 करोड़ पे जा रहा। अब जरा समझना, अब सरचार्ज रेट क्या होगा, जरा सोच के बताओ। इशू समझ रहे क्या काट का? जहां पीजीबीपी इंडिविजुअली 2 करोड़ रुपए के ऊपर जाता तो आपके पास चीज बड़ी क्लियर होती, 25% और 15%। अब क्वेश्चन ही ऐसा है कि पीजीबीपी इज 1.80 करोड़ एंड योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 इज 40 लाख। नाउ इट कम्स टू 2.10 करोड़। नाउ यू टेल मी माय फ्रेंड्स, पीजीबीपी तेरा आया 1.80 करोड़, तेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 40 लाख, दोनों मिला के 2 करोड़ के ऊपर जा रहा। अगर यही चीज 2.40 करोड़ होती और 40 लाख होती, तेरे को इतना इश्यू नहीं होता। तू यहां पे 25% ठोकता, यहां पे 15% ठोकता, लाइफ वॉज सॉर्टेड, क्योंकि तेरी अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर जाती। तेरी अदर इनकम प्लस स्पेशल इनकम मिला के 2 करोड़ के ऊपर जा रही है। अब बता सरचार्ज 25 या 15, अगर 25 कर देते तो ये टैक्स पेयर के लिए हार्मफुल हो जाता। टैक्स पेयर क्या बोलता जरा सुनना, क्यों हार्मफुल होता सुनना, और नया लॉ क्यों बना उसके पीछे का लॉजिक भी सुनना। अगर मैं 2 करोड़ के ऊपर, मेरी टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर जा रही, एओ क्या बोलेगा जरा समझना, एओ आएगी। क्या कौन आएगी? एओ एओ आएगी। एओ आकर के बोलेगी लाइए 25% निकालिए पूरी इनकम के ऊपर। टैक्स पेयर क्या बोलेगा? कुछ भी, मेरी अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर जा रही है क्या? नहीं, तो आप कहां से मेरे से 25% मांग रही है? 15%। हेलो, आपकी टोटल इनकम तो 2 करोड़ के ऊपर जा रही है ना। कुछ भी, अरे ये जो इनकम आई है ये रोज रोज थोड़ी ना आती है, ये तो आजकल की मेहमान है। अरे ये रोज रोज नहीं आती, ये तो कुछ ही दिन की मेहमान है, इसके लिए मेरे ऊपर क्यों? ये आ जाइए कल आएगी नहीं, पर इसके चक्कर में मैं थोड़े 10% एक्स्ट्रा दूंगा साहब। नहीं, देखिए आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर जा रही है, बस नीट पे। मैं तो आपको ये भी नहीं बोल सकता भाया, मैं तो आपकी रेगुलर कस्टमर हूं ना। अरे मैडम आप मेरी बात समझो ना, आप मेरा बात समझो। ये रोज रोज नहीं आता, लेकिन इसके चक्कर में आप मेरा 15 का 25 कर देंगी, ये कोई लॉजिक है क्या? नहीं। सी, आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, आई एम अ टैक्स मैन, मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं। पर आप तो ये मेरे साथ नहीं, आप गलत कर रही है मैडम, आप गलत कर रही है, ये मैं होने नहीं दूंगा। आप गलत कर रही है, होने नहीं दूंगा का क्या मतलब है? What do you mean by that? देखिए टोटल इनकम आपकी 2 करोड़ के ऊपर जा रही है, यू नीड टू पे। तू बैठ इधर, बैठ बेबी, आई मीन एओ सुन, आप समझो। ऐसा करोगे तो मैं अपनी इनकम भी नहीं दिखाऊंगा। फिर अगर आप बोल रहे हो 2 करोड़ के ऊपर जा रही, मैं टैक्स चोरी कर लूंगा, आपको अच्छा लगेगा? यू टेल मी, अच्छा लगेगा? एक तो दिखा रहा हूं, बाद में दिखाऊंगा नहीं, क्या मतलब है? फिर तुमको तकलीफ है, दिखाया भी नहीं। अरे तुमको दिखाने से अगर तकलीफ होने लगे तो तुम बताओ ना, ये सही है क्या? पंद्रह 15% लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम 25 लोगे तो मेरे साथ गलती है कि नहीं? मैं एज अ टैक्स पेयर अग्रीड हूं या नहीं हूं? लॉ ने ये समझा, देखिए जहां नॉर्मल प्लस स्पेशल लाख के 2 करोड़ के ऊपर जा रही, अगर मेरी अदर ही 2 करोड़ के ऊपर जाती होती, आप 25 लो 15 लो, हमें कोई तकलीफ नहीं। इसके पहले वाला प्रॉब्लम आप अलग लो। अगर मेरी अदर इनकम ऑलरेडी 2 करोड़ के ऊपर है, मैं वैसे ही एनहांस सरचार्ज में हूं, फिर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर अपने पास बहुत पैसा है। पर यहां ये जो आज कल की आई है, इसके चक्कर में मैं रेगुलर वाली को थोड़ी छोड़ूंगा। अरे ये जो आजकल की इनकम आई है, जो हर साल अराइज, हर साल मैं थोड़ी करूंगा ये इनकम, ये तो वो इनकम है ना जो हर बार नहीं आती, इसीलिए तो ये स्पेशल थे, इसीलिए तो ये स्पेशल। ये हर रोज थोड़ी ना आती है, इस चक्कर में आप मेरे 15 के 25 कर दोगे तो मेरे तो टैक्स लग जाएंगे ना। ये तो मेरे तब जाकर के आखिरी लॉ बनाया और बोला, अगर टोटल इनकम इंक्लूडिंग, अगर टोटल इनकम इंक्लूडिंग ये चारों इनकम कितने से एक्सीड करती है? 2 करोड़, तो आपके लिए सरचार्ज रेट कितने पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? 15। लॉजिक समझ में आ रहा है टैक्स पेयर के साथ क्या हुआ होगा? नहीं तो टैक्स पेयर अग्रीड हो जाता। सी, अगर यही मेरी अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर होती, सुनो ना, मैं तुम्हारा विचार तो है, अगर मेरा पीजीबीपी 2.40 करोड़ होता, मेरा सरचार्ज रेट क्या होता? करोड़ है, 40 लाख है, कितना आना चाहिए 15 ऑन बोथ द इनकम। गला लगा, समझ में आया? नहीं तो ये एसएससी के साथ एक अग्रीव्ड मैटर होता। करा लो बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए, ये जो एग्जाम्पल्स है ये ऑनरेबल इंस्टीट्यूट की बुक से ही लिया गया है, क्योंकि सरचार्ज वाला सिचुएशन चेंज हुआ तो उन्होंने ये क्वेश्चन भी नए मॉड्यूल के अंदर में बदल दिए। तो चलो वो बदले तो हम भी बदल जाते हैं, है ना? अब वो बदले तो हम भी बदल जाते हैं। चलिए क्वेश्चन समझते हैं, डील करते हैं क्वेश्चन के साथ, सोचते हैं। डिविडेंड इनकम 10 लाख, सभी लोग कैलकुलेटर उठाना। ये सिर्फ कैलकुलेटर पे सॉल्व करने लायक चीज है, प्रैक्टिकल सॉल्व करने लायक चीज नहीं, कैलकुलेटर पे सॉल्व करने लायक चीज है। तो देखते हैं, डिविडेंड 10 लाख ले लो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 20 एंड अदर इनकम 25। टोटल कितना हो रहा है? टोटल कितना हो रहा है बेटा 90। ये आ गया क्या 90 लाख। अब मुझे बताओ, इनकम 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ से नीचे है, सरचार्ज रेट विल बी 50 लाख से 1 करोड़ पे सरचार्ज रेट वुड बी अक्रॉस ऑल काइंड ऑफ इनकम। आर यू अग्रीइंग टू दिस पॉइंट? सरचार्ज वुड बी एट द रेट ऑफ 10% ऑन द इनकम कंप्यूटेड। जो भी इनकम कंप्यूट होगी इस पर सरचार्ज रेट कितना रहेगा 10, क्योंकि ये कितने से ब्रैकेट के बीच में 50 लाख टू 1 करोड़ के ब्रैकेट में। सरचार्ज रेट कितना रहेगा बेटा 10% अक्रॉस एनी काइंड ऑफ इनकम। ये नॉर्मल सरचार्ज है, एनहांस सरचार्ज नहीं। डू यू अग्री विद दिस पॉइंट? चलिए दूसरा क्वेश्चन उठाइए, टोटल उठाइए। डिविडेंड है 10 लाख, कैपिटल गेन है 40, 55, 35 एंड अदर इनकम है 50। टोटल 1 करोड़ 90 लाख आ रहा है क्या? चेक कर लेना। अब 1 करोड़ 90 लाख आ रहा है, मतलब हम 1 करोड़ टू 2 करोड़ के ब्रैकेट में बैठ गए बेटा। 1 करोड़ से 2 करोड़ के ब्रैकेट में सरचार्ज रेट इज 15% अक्रॉस ऑल काइंड ऑफ इनकम बेटा। तो सरचार्ज रेट कितना बनेगा बोलो मेरा बच्चा 15%। डू यू अग्री? बढ़ते थोड़ा सा आगे, मेरा अदर इनकम 3 करोड़ दिख रहा है। ए लाला, अदर इनकम 3 करोड़ है। अब मुझे बताइए, अदर इनकम पे सरचार्ज रेट कितना होगा 25, और ये जो डिविडेंड कैपिटल गेन 112 ये सब मिला के मैक्सिमम कितना होगा 15%। यही अमेंडमेंट कहता है, अमेंडमेंट की सच्चाई यही है। अरे एवरीबॉडी ऑनलाइन वालों, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो जरा देखिएगा साहब, जरा देखिएगा, ये जो 3 करोड़ है इसके ऊपर कितना परसेंट और ये बाकी सब के ऊपर कितना परसेंट बेटा 15। समझ में आ रहा है? अमेंडमेंट सही समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बताइए, मेरा अदर इनकम 6 करोड़ दिख रहा है, अदर इनकम पे कितना 37, इस पे कितना 15। लो जी, इधर 15 इधर 37। ऑब्वियसली कैलकुलेशन ऑफ टैक्स में टाइम लगेगा, सरचार्ज का पहले समझ लो लॉजिक। अब समझते हैं, मेरी अदर इनकम 1.10 करोड़ है, कैलकुलेटर लो। अदर इनकम 1 करोड़ 10 लाख प्लस 55 प्लस 42 प्लस 60 प्लस 55, टोटल कितना हो रहा है? इज इट 3 करोड़ 22 लाख। क्या मेरी अदर इनकम प्लस स्पेशल इनकम मिला के 2 करोड़ के ऊपर जा रही है? सरचार्ज रेट कितना होना चाहिए अक्रॉस ऑल इनकम? लो जी, लॉजिक समझ में आ रहा है सभी को, हाँ या ना? तो मॉड्यूल ने भी ये बदला, हम भी ये बदल रहे। नया क्या आया है इसमें? 112 हम पहले डील नहीं करते थे, अब इसमें 112 का भी पॉइंट उन्होंने देना चालू कर दिया। खत्म। अमेंडमेंट समझ में आया सभी को, हाँ या ना? तो यही मॉड्यूल ने भी चेंज किया है, यही आप भी समझ लीजिए। आहो, चलिए रिवाइज करते हैं फटाफट। अभी तक का लेक्चर टाइम है ना? हाँ टाइम है, रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आए, हम लोगों ने टैक्स रेट समझा। चलो रिवाइज करो बेटा मेरे साथ सभी लोग। नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स और स्पेशल रेट। नॉर्मल रेट कहाँ लिखे हैं? जल्दी जल्दी बोलो, और जितने लोग बच्चे ऑनलाइन कनेक्टेड है प्लीज कमेंट करते जाओ। नॉर्मल रेट कहाँ लिखे हैं? फाइनेंस एक्ट। टीडीएस के रेट कहाँ लिखे हैं? इनकम टैक्स एक्ट। नॉर्मल रेट और टीडीएस के रेट कहाँ लिखे हैं? फाइनेंस एक्ट। स्पेशल रेट कहाँ लिखे हैं? इनकम टैक्स एक्ट। अब समझ में आ रहा है बेसिक गलती क्या करो? धंधे पे ध्यान दो, हाँ वापस आओ, रिवीजन पे ध्यान दो, जाने की गड़बड़ मत करो। सुनो, हाँ, इंडिविजुअल बिलो 60 नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, क्या इनके पास ऑप्शन, सॉरी इंडिविजुअल और एचयूएफ के पास क्या ऑप्शन है ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम का? अल्टरनेटिव टाइप स्कीम का डिस्कशन हम करेंगे बाद में। इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजेपी बेसिक स्लैब रेट अप टू 2,50,000 2,50,000 टू 5 लाख, शॉर्टकट इज 5 लाख टू 10 लाख, शॉर्टकट इज अबाउट 10 लाख, सीनियर सिटीजन 60 और अबाउ रेसिडेंट, क्योंकि नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज फर्स्ट में आ गया, सीनियर सिटीजन 60 to 80, 3 to 5, अबाउ 5, ठीक है, अबाउ 10, सुपर सीनियर सिटीजन 80 और अबाउ 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख 20%, अबाउट 10 लाख। क्या जब भी टैक्स निकालेंगे HEC आएगा एट द रेट ऑफ 4%? रिबेट के लिए 3 कंडीशन है, असेसी शुड बी, ही शुड बी रेसिडेंट, टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड, तो आपका रिबेट मिलेगा लोअर ऑफ हायर ऑफ 12,500, वेरी गुड, लोअर ऑफ 12,500 और 100% ऑफ टैक्स। क्लियर है मालिक? अच्छा जी, जब भी टोटल इनकम और टैक्स राउंड ऑफ नहीं हो, पहला एक्टिविटी क्या करना है, राउंड ऑफ, लास्ट फिगर अगर 5 या 5 से ऊपर है तो हायर साइड, अदरवाइज लोअर साइड राउंड ऑफ। याद आ रहा है? अगर कोई एसएससी 1 अप्रैल को सीनियर सिटीजन बना होगा तो क्या वो हायर बेसिक एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल है? यस। अगर मेरी इनकम इंक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम, क्या 4 समझ में आएगा? कैपिटल गेन के 3, डिविडेंड का 1, अगर मेरी कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम मिला के टोटल 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में होगा तो, 1 से 2 के बीच में होगा तो, 2 से 5 के बीच में होगा तो, इन 4 इनकम पे 15%, अदर इनकम पे 25, 5 के ऊपर होगा, इन 4 पे 15%, अदर पे 37। अगर मेरी अदर प्लस स्पेशल मिला के 2 करोड़ के ऊपर जा रही है 15%। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। चलिए एक और चीज, यहां तक के क्लियर हो गया मालिक सभी को? अब एक और चीज सुनिए ना, मेरा पीजीबीपी है 1 लाख, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 है 3 लाख, प्लीज मेरे लिए टैक्स निकालो ना। टैक्स निकालिए, हाल फिलहाल में मैं रिबेट की बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज टैक्स निकाल दीजिए। एक जवाब 7,800, 39,200, 31,200, 31,200, इज इट 31,200? वेरी गुड। कैसे निकाला मैं आपको बताऊं? 3 लाख पे 20%, 1 मिनट, क्या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए कुछ लोगों ने क्या किया होगा, लॉन्ग टर्म का 3 लाख इंटू 20%, दैट इज 60,000, इसमें से 12,500 माइनस कर दिया, रिबेट 47,500 समथिंग कुछ आ गया। कुछ लोगों ने ये गलती की, कुछ लोगों ने रिबेट कंसिडर किया, कुछ लोगों ने नॉर्मल स्लैब रेट को यूज किया। अंडरस्टैंड? अगर आप देखेंगे क्या एसएससी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्सॉर्ब कर पाया है? जल्दी जल्दी बोलते जाओ, क्या एसएससी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्सॉर्ब कर पाया है? नो। एंड क्या उसके पास स्पेशल इनकम भी है? जनरल रूल क्या था मेरा, स्पेशल इनकम में से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट देते नहीं। मैंने इन जनरल 3 बार कहा था, और मैंने कहा था कि रुक जाओ, आज ही बताऊंगा, कुछ बताऊंगा, राइट? एसएससी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्सॉर्ब नहीं कर पाया है एंड हैज स्पेशल इनकम। अब ऐसे केस में एक संवाद सुनिएगा और एज अ टैक्स पेयर खुद डिसाइड कीजिएगा क्या हुआ। एओआई असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, एओ आकर के बोलती है हाँ चलिए लाइए ये 1 लाख रुपए तो बेसिक इनकम, उसको बाजू कर दीजिए 3 लाख पे 20% एंड आप थोड़ा सा रिबेट ले सकते हैं बिकॉज टोटल इनकम 5 लाख। टैक्स पेयर, मैडम सुनो, इधर आओ, इधर आओ, हाथ पाओ, इधर सुनो, सुनो ना मेरी बात सुनो। आपको नहीं लगता मैंने बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब नहीं किया? लगता है, लगता है ना? हाँ बस सुन बेबी, पॉइंट ये है कि आपको जब ये लग रहा है मैंने बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब नहीं किया एंड आई हैव स्पेशल इनकम, क्या आपकी ये नैतिक भौतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि मेरे को ये दे देना चाहिए बेनिफिट? नहीं, यू टेल मी, अगर आप मेरे साथ होती, आई मीन आप मेरे जगह पे होती, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मेरे को दे? क्या भारत सरकार मुझे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट देती है, हाँ या ना? क्या मेरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब हुआ? आई एम अ टैक्स मैन, मुझे टैक्स पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये क्या है, मुझे टैक्स पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक काम बोलता हूं, जरा सुनिए, ये 1 लाख रुपए आपने एडजस्ट किया, क्या मेरे पास स्पेशल इनकम है, हाँ या ना? तो एक काम करो, 1.5 लाख रुपए आप यहां एडजस्ट कर दो मेरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के, टोटल हो गया 2.5 लाख। इसमें से मेरे को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिल जाएगा 2.5 लाख। मेरा टैक्स क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, नील। मेरा टैक्स क्या हो जाएगा, नील। अब जो मेरी स्पेशल इनकम बचती है कितनी बचेगी, 50,000, क्योंकि 1,50,000 1.5 तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अगेंस्ट में यूज हुए। इस पे आप बेशक 20% ले लो, मेरे को कहां कोई तकलीफ है। क्या लगता है एसएससी करेक्ट है, वो करेक्ट? एसएससी एज अ नॉर्मल एसएससी आपने उससे कहा है कि 2.5 लाख रुपए तक का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट आप देंगे। हेलो, क्या उसको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल रहा है? क्या उसको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल रहा है क्या इस लॉ से? यस, अब मिलेगा, अब उसको ये बेनिफिट मिलेगा। इन जनरल स्पेशल इनकम से कभी भी हम बेसिक एडजस्टमेंट लिमिट एडजस्ट करते नहीं, अगर मेरी अदर इनकम ऑलरेडी उसे एब्जॉर्ब कर लेती है तो। अगर मेरी अदर इनकम ऑलरेडी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को एब्जॉर्ब कर लेती है तो हम कभी भी इस तरीके के एडजस्टमेंट नहीं करते, ये एक स्पेशल एडजस्टमेंट है जो की जाती है। लेकिन अगर मेरी अदर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब नहीं कर पाई है एंड एसएससी हैज स्पेशल इनकम, सच स्पेशल इनकम विल बी फर्स्ट यूज टुवर्ड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड बैलेंस इनकम विल बी चार्जेबल टू स्पेशल रेट। यहां पे 1,50,000 पे कितना परसेंट होगा बेटा, 20%। ये कितना हो जाएगा बेटा, 30,000। टोटल कितना हो जाएगा, बोल मेरा बच्चा, 30,000। एक मिनट, क्या रिबेट मिलेगा? क्या हुआ बेटा, सीए फाइनल, कॉन्सेप्ट अटक गया। चलिए फिर से कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, आज ही कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने। क्या रिबेट मिलेगा, हाउ मेनी पीपल से यस, हाथ उठाओ, रिबेट मिलेगा, गुड 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 गुड। हाँ, रिबेट नहीं मिलेगा, अब हाथ उठाओ, रिबेट नहीं मिलेगा, वेरी गुड। डर नहीं, क्या बात है, या तो सीखेंगे या तो गिरेंगे, और क्या होगा, रिबेट नहीं मिलेगा। चलिए इन लोगों का बेसिक फिर से क्लियर करते हैं। रिबेट के लिए 3 कंडीशन थी। कंडीशन नंबर 1, एसेसी शुड बी इंडिविजुअल। सभी लोग बोलो, एसेसी शुड बी टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड। मेरी टोटल इनकम तो 4 लाख की है, टोटल इनकम, ये कल के लेक्चर में आ गया मैं। व्हाट इज टोटल इनकम, सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, समझ में आ रहा है क्या गड़बड़ क्या कर रहे हो? टोटल इनकम 5 लाख से नीचे है क्या, इंक्लूडिंग कैपिटल गेन? मेरे को मालूम था आप ही गड़बड़ करेंगे। अब रिबेट के नीचे देखिए मैंने क्या लिखा है, टोटल इनकम फ्रॉम आफ्टर डिडक्शन। मेरे को मालूम था तुम ये गड़बड़ करोगे, कुछ लोग तो कंफर्म ये गड़बड़ करेंगे, इसलिए मास्टर ने ऑलरेडी लिख कर रखा था ऑल हेड्स। समझ में आया क्या? सो अब मुझे बताइए यहां पे क्या रिबेट मिलेगा, 12,500। अच्छा, कई लोगों ने यहां पे बेसिक गलती क्या की मालूम है, टोटल इनकम ही 5 लाख से नीचे, टैक्स 0। थोबाड फोड़ा आपला, जिन्होंने जिन झंडू के फूलों ने ये 4 लाख रुपए देके बोले ना टैक्स नहीं लिया होगा। थोबाड़ लो अपना थोबाड़, थोबाड़ जो लोग महाराष्ट्र से नहीं है, थोबाड़ मतलब चेहरा, चेहरा लो और किसी भी चीज से फोड़ लो, ठीक है, थोबाड़ फोड़ा अपना। अरे झंडू 5 लाख से नीचे का मतलब हर बार ये नहीं होता कि टैक्स जीरो ही होगा, स्पेशल रेट भी है हमारे पास। ओ चम्मी कपूर, स्पेशल रेट भी है हमारे पास। यहाँ पे 12,500 है तो भाई साहब 30,000 में से 12,500 जाएंगे। क्या ये 17,500 है? अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में। 18,200 कलल का आता, कलल ऐसे कैसे कलल बोलो, नहीं कलल। स्पेशल एडजस्टमेंट जरा सुनिए, इफ असेसी इज रेसिडेंट, ये एडजस्टमेंट सिर्फ रेसिडेंट कर पाता है, नॉन रेसिडेंट नहीं। ये एडजस्टमेंट सिर्फ भारतीयों के लिए है, विविध भारतीयों के लिए नहीं। ये असेसी कौन होना चाहिए? रेसिडेंट एंड हैज स्पेशल इनकम 112 या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नॉट कैजुअल इनकम। इसमें कैजुअल इनकम एडजस्ट नहीं होती। पूछो ना क्यों? स्पेशल इनकम डायरेक्टली 30% से टैक्सेबल होती है, इसमें से कोई डिडक्शन नहीं मिलता। IFOS लॉटरी इनकम में से कोई डिडक्शन नहीं मिलता। दीज इनकम आर डायरेक्टली टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30% एंड दैट इज द रीजन ये एडजस्ट नहीं होती। तो स्पेशल इनकम नहीं एडजस्ट होगी, कैपिटल गेन एडजस्ट हो जाएगा। एंड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज नॉट एग्जॉस्टेड, देन स्पेशल इनकम शैल बी फर्स्ट यूज टू कवर अप द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड बैलेंस इफ एनी विल बी चार्जेबल एट स्पेशल रेट। समझ में आया क्या? यहां पे लिखिए एग्जाम्पल नंबर 4, स्पेशल एडजस्टमेंट, एग्जाम्पल नंबर 4। अभी तक आपके पास बुक नहीं होगी, टेंशन मत लेना, कल ये मैं फिर से दिखा दूंगा कहां क्या एग्जाम्पल लिखा है, फिकर करायचं नहीं। आज शाम एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम लोग करने वाले हैं, इस चीज के लिए आपको रोक के रखा है, आपके फायदे की चीज होगी, गारंटेड, टेंशन मत लो। तो एग्जाम्पल नंबर 4, और अपने सारे दोस्तों को भी बोल देना कि ये अनाउंसमेंट देखना बिल्कुल मत भूले, क्योंकि ये सबके फायदे की चीज है। अभी क्या है? क्यूरियोसिटी। इनसाइडर इंफॉर्मेशन देने की मेरी बहुत इच्छा है, पर मैं दे नहीं सकता। रुक जाओ, बस इतनी बात बोलता हूं भरोसे से, बहुत फायदेमंद चीज होगी, कल आके तुम मेरे को थैंक यू बोलोगे। क्या आइडिया था ना निकालने का, मस्त मस्त। लिखो एग्जाम्पल नंबर 4, PGBP 1 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 लाख। लिखो फटाफट और घर जाओ। एग्जाम्पल नंबर 4 स्पेशल एडजस्टमेंट, नाम लिखो एग्जाम्पल नंबर 4 स्पेशल एडजस्टमेंट। जल्दी लिखो, मैं 4 बजे ऑलरेडी छोड़ चुका हूं तुम्हें, ये तुम्हारा लिखना बाकी है, ये याद रखना। आज तक मैंने कभी एक्स्ट्रा नहीं लिया। एक तो तुमको एक्सप्लेन इतना करना पड़ता, ऊपर से तुम मेरे को देते 2 घंटा। अच्छा, मैं एक आज टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा इस फास्ट ट्रैक के लिए, क्योंकि हम जितने पीडीएफ वगैरह शेयर करेंगे या जो भी कुछ, मान लो अगर कुछ लेक्चर के टाइमिंग में कुछ चेंज होता है या कुछ अदर नोटिफिकेशन होगा तो उस पर आ जाएगा, ठीक है। सो मैं आपको ये बताऊंगा और इसका एक लिंक मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा। जितने लोग रहेंगे ऑनलाइन ये लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे, और आप सभी को भी ये लिंक कल मिल जाएगा, तो आप उसके अंदर में कल ज्वाइन कर लेना एंड इट विल बी इजी। यस, ये टोटल हुआ था 4 लाख। चलो फटाफट करो, तुम यार एक्स्ट्रा लिखने का टाइम लगा रहे हो, 4 बजे मैं छोड़ चुका हूँ ऑलरेडी। अगर दर्शन सर पूछे तो आपका जवाब 4 बजे होना चाहिए। आप क्या समझे? कुछ नहीं, नहीं 4 बजे। क्या तुम लोगों के चक्कर में मेरे को हर बार गाली पड़ती है, वो लॉ वाला मास्टर मेरे को गाली मारता है। सर अनाउंसमेंट कितने बजे होगा? लगभग 7, सवा 7 बजे हो जाएगा। और इस अनाउंसमेंट की बात पॉसिबल है तो नहीं, ठीक है। Is that done? Yes. कुछ क्वेरी होगी तो क्वेरी कल आपको मैंने बता दिया कहाँ भेजना है, आप हमसे कनेक्टेड रहिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आएगा लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसा मेरे मार्केटिंग टीम ने मेरे को बोलने बोला था। थैंक यू सो मच। और हाँ, वो बेल आइकन को भी दबा देना। बाय बच्चों। हाँ जी, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। यस, उसको नॉक कर